जबरदस्त, फाइनली हम अपने घर में आ गए। हाँ मम्मा, मम्मा हमारा रूम कौन सा है? बेटा आप ही बताती हो, आई थिंक उस तरफ है। देख के आराम से गिर जाओगे। कैसा है? है तो अच्छा। यहाँ है हमारा कमरा। इधर? ओके। अच्छा है ना? अच्छा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे थक गया हूँ। कॉफी बना देती हूँ ना? नहीं कॉफी नहीं, बहुत लेट हो गया। बच्चों से पूछ लो अगर उन्हें कुछ खाना है। मैं जरा क्विल्स निकालूं, पता नहीं किस डब्बे में। ठीक है। क्यों? अभी आधा किलोमीटर दूर है घर। तो क्या हुआ, मैं पैदल चली जाऊंगी, वरना रक्षा ले लूंगी। इतनी गर्मी हो रही है भाई, पागल हो गई हो क्या? और ये गर्मी ना तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई है। अच्छा ना, क्या फर्क पड़ता है? पहले उतर जाना प्लीज। मैं कोई रेस्ट नहीं ले सकती। भगवान। अच्छा ओके ओके, पहले वादा करो कि शाम को छाते आओ। मैं कोई वादा नहीं कर सकती, अम्मी पे डिपेंड करता है। ओफो, ये तो तुम्हारी अम्मी भी ना, तेरे को सुधरेंगी। ओफो, अपनी अम्मी के बारे में क्या ख्याल है? एक घंटा पहले फोन किया था हॉस्पिटल, कहाँ थे तुम? अभी हमीदा और मारिया गए, तुमसे तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए थे। अच्छा हुआ चले गए, टाइम बच गया मेरा। तुम्हारा दिमाग सही है, मारिया तुमसे मिलना चाह रही थी। मुझे भी दिल लगा हुआ, मुझे भी किसी मिलने ना मिलने की खुशी होती है, प्लीज इस बात को भी समझे। तीस। क्या हो गया है, हमारे एक ही तो रिश्तेदार है। सब जानता हूँ, किन चक्करों में घर के चक्कर लगाते हैं वो। अब्बा का काम अच्छा चल रहा है, बेटे की हाउस वाइफ लग गई, अब बड़ी मोहब्बत जाग रही। और तब कहाँ थे वो लोग जब अब्बा बीमार थे, घर पे फाके चल रहे थे, बताएं जरा मुझे। हमीदा शर्मिंदा है ना, उसने 10 दफा माफी मांगी है। अम्मा प्लीज प्लीज, आपने उन लोगों से रखनी है, बिल्कुल रखनी, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटें। नाइट ड्यूटी करके आया, थका हुआ, थोड़ी देर सोचो प्लीज। मुझे मारिया अच्छी लगती है। मेरा है ही कौन एक बेटी के सिवा, उसे भी पाकिस्तान से बाहर भेज दूं? नहीं भाई, रिश्ता दिखाना है तो पाकिस्तान का कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का दिखाओ। अम्मी चलो फिर, मैं और कहीं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। दिखा ले, किरण आ गई। अभी भी 102 बुखार है इसे। पता नहीं क्या हो गया, एक घंटा हो गया दवा दिया हुआ, बुखार क्यों नहीं उतर रहा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी बच्ची को हुआ क्या है? उमर भी कल से बहुत डरा हुआ है, पता नहीं क्या किया इन बच्चों ने। आमिर कहीं ये घर तो आसिफ ज़दा नहीं है? क्या फजूल बातें करती रहती हो तुम, आजकल के जमाने में कहाँ होते हैं आसिफ वगैरह घरों में। बड़ी 4:30 हो गई,
वो पड़ोसन अभी तक नहीं आई। उसका शौहर बहुत जिद्दी है, हो सकता है उसने आने से रोका हो। कोई बात नहीं, मैं पहले से जानती थी वो नहीं आएगी। तो फिर क्या, लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो? आप कुछ परेशान नजर आ रही थी और आपके घर से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी, और आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है। इस घर पे साया है, जैसे नीचे पहुंचे भागे पिछले सीट पर दरवाजा खोलकर उसको ले जाना, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना पुलिस वाला। मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होता, प्लीज मुझे सुन के कहना, मेरी मियां मुझे पता नहीं चला कि कोई गाड़ी में है कि नहीं। ओके, कुछ नहीं होता। तुम भले ना मानो, मैं खुद ही मना लूंगी। ओह, इसका मतलब यह है कि तुम उससे बात कर चुकी हो? नहीं, तुम कह रही हो ना कि तुम जानती हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा। कहाँ की है मैंने उससे बात, अभी तो वो बच्चा है। मारियो से एक दो दफा मिलेगा तो खुद ही मान जाएगा शायद। और वैसे भी मैं भी अपने बच्चे का भला ही चाहती हूँ। प्लीज यहां से चलो, मैं तुम्हें कह रही हूं घर छोड़ दो। आमिर चुप रहो, ठीक तो बेटा? बस मैं आ गया, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। इस घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं यहां से, चलो।
मेरी बात पल्लू से बांध दे और तैयारी शुरू कर दे। कुछ ऐसा कर दो कि वो लड़का तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ना सके। बस आजाद सा, इतना ही था आपके पास। अभी मैं किसी से नहीं मिल सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अम्मी उस चुड़ैल ने मुझ पे कब्जा किया हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या बोला क्या किया। अम्मी आपको कौन नजर आ रहा है? अगर मुझे नजर आ रहा होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? मेरी प्यारी अम्मा जान, जब कोई है ही नहीं तो क्या खाक नजर आएगा? आप बिना आज लगता है किसी चुड़ैल का साया आ गया मेरे बेटे पे। अमिया। हाँ बेटा, थक गई। एक तो ये अस्पतालों के चक्कर, मार डाला कसम से। अभी पहुंची हूँ, देखो ये तुम क्या इतनी तैयार होके खड़ी हो, कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं अम्मी, वो मैंने खाना खाया था ना, उसके बाद दिल बहुत घबरा रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर लूँ। दिल तो करता छत से उठाकर नीचे फेंक दिया करो, आ जाते मैं उठा के मेरा घर गंदा करने के लिए। अब कोई आया ना तो टांगे ही तोड़ दूंगी उसकी। ये लाउंज है और आप देख रहे हैं कि कलर वगैरह भी उसका काफी ठीक है। यानी बहुत मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छा। अरे खालिद भाई, किराएदार रहते तो गंदा करते ना, क्या आपको लग रहा है कि ये घर असेफजदा है? बिल्कुल नहीं लग रहा, बल्कि सच्ची बात यह है कि मुझे तो यहाँ पे ज्यादा सुकून मिल रहा है, शायद इसलिए कि यहाँ आपकी भाभी नहीं है। चले आए, किचन उस तरफ है, किचन देखते हैं। अच्छा, तो ये सारा सामान जो है, ये फर्नीचर, ये सब कुछ बीच में ही शामिल है? हाँ, ये सारे इसमें शामिल है। ओके, किचन उस तरफ। जी जी, आए आए आए। किरण, मेरा इम्तिहान मत लो, बोलो क्या बात है? ये मुझे प्लीज माफ कर दे, मैंने आपका भरोसा तोड़ा, मैं बहुत बुरी हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? वो अमीन, हमारे पड़ोस में जो डॉक्टर रहते हैं ना, डॉक्टर फवाद, अभी मैं और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और दो तीन बार मिल भी चुके हैं। मिल भी चुके हैं क्या मतलब? मेरा मतलब है कि
डिनर पे साथ गए और एक आधा दफा उसने मुझे यूनिवर्सिटी से घर भी ड्रॉप किया। लेकिन अम्मी का बात बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत। प्लीज मुझे माफ करते, आपको तो पता है ना मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती और कुछ नहीं छुपा सकती। अम्मी मैं आपसे ये भी नहीं छुपा सकती, प्लीज मुझे माफ कर दें। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे प्लीज मुझे माफ कर दें। क्या अम्मा मान गई हैं? हाँ, कल घर आने को तो बोला है उन्होंने। अच्छा, मुझे तो उन्होंने एक अच्छा सुनो अभी मैं हॉस्पिटल में जाना होगा। I'm so happy मां मान गई है। अच्छा लिसन, जा रहा हूँ। आई लव यू, बाय। डॉक्टर अंजल आपको इमरजेंसी में बुला रहे हैं। बल्कि इसको आपने मेरे घर भेजा था। नहीं, लेकिन वो आजकल मेरी बेटी के लिए रिश्ते देख रही है। ये झुमका तुम्हारी बेटी का है ना, तो फिर तुम ये भी जान लो कि वो लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी मेरे जीते जी। क्यों अम्मा, आखिर बुराई क्या है उसमें? अगर उसमें कोई बुराई नहीं है तो कोई अच्छाई भी नहीं है। दो चार जमाते पढ़ लेने से कोई इंसान काबिल नहीं हो जाता। ऐसी अवारा लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। अवारा नहीं है वो, बहुत अच्छे घर की लड़की, और मैं जानता हूँ। मेरे बच्ची, तुम अभी मासूम हो, तुम वाकिफ नहीं हो। मैंने दुनिया देखी है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जिन घरों में मर्द कमाने वाले नहीं होते ना, उन औरतों का गुजर बसर कैसे होता है। क्या कह रही हैं? मैंने कह दिया, मेरे जीते जी वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। सुना तुमने? अम्मा मेरी बात तो सुने प्लीज। अम्मा मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, आपने मुझे अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया ना, अब मेरी बारी है। मैं कभी भी ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती अम्मी, जहां कोई भी मेरी मां से इस तरह से बात करे। अरे उनके घर में रात को दो दो गाड़ियां आती हैं। चली गई हैं आप? सारी किताबें तो आप यहाँ छोड़ के गई हैं। आ जाओ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या कहा है अम्मा ने, बताओ मुझे प्लीज। अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। पहले मेरी बात का जवाब दो, अम्मा ने क्या कहा है तुम्हारे घर आके? वो आई, उन्होंने चाय पी और ऋषि से माजरत करी, कहा कि तुम्हारे लिए अपनी बहन की बेटी पसंद कर रखी है उन्होंने। झूठ बोल रही हो तुम। मैं अपनी माँ को अच्छे तरीके से जानता हूँ, उन्होंने जरूर कोई गलत बात की होगी, इसलिए तुम्हें फोन करा था ताकि माफी मांग सकूं यार। हाँ तो क्यों कर रहे हो तुम मुझे फोन, जब तुम्हारी अम्मा मना करके जा चुकी है तो क्यों मुझे फोन कर रहे हो तुम? जान मैं मना लूंगा उन्हें यार, मैं कर लूंगा, ट्रस्ट मी, प्लीज प्लीज किरण प्लीज। क्या हो रहा है ये? अम्मी आंटी, इसमें किरण का कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं है। मैं अम्मा ने जो कुछ भी कहा, मैं सिर्फ उसकी, इनफैक्ट मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ।
छत से आने की क्या जरूरत है? हमारे घर के दरवाजे भी हैं। तुम दोनों माँ बेटी मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? अरे नहीं करनी मुझे अपने बेटे की शादी, पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया है। सुनती नहीं है पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो तुम दोनों। लड़की है किरण, मैंने चार तक नहीं था। अरे एक लड़की की खातिर तू अपनी माँ को छोड़ के जाएगा? फवाद, फवाद मेरी बात सुनो, फवाद, मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो दोनों माँ बेटी के चंडाल हैं, छीन लिया मेरे बेटे को मुझसे। फवाद मेरी बात तो सुनो, फवाद, फवाद। वाह जी खालिद साहब, अल्लाह ताला ने आपको भी छप्पड़ फाड़ कर ही दिया। साहिब हैसियत हो गए आप, साहिब जायदाद। रशीदा को कितना अच्छा लगेगा ना। सीन लग रहा है, फानूस शानूस भी है। मेरी बात पल्लू से बांध दे और तैयारी शुरू कर दे, नमाज कायम करनी होगी, 5 वक्त की नमाज। किरण से बचा लो, उसे तुम्हारी जरूरत है। आपने बुलाया हजरत बीबी? हाँ दिलनवाज, कहाँ थे तुम? घर के नए दावेदार आए, उन्हें सबक सिखाने गई थी। पूरा खानदान आया है? कितने लोग हैं? अभी तो सिर्फ एक लड़का आया है, माँ बाप नहीं है उसके। तुम्हें याद है ना कि मैंने क्या कहा था तुम्हें? अपना हाथ हल्का रखना, अभी इन लोगों से बड़ा फायदा उठाना है हमने।
ये ना करना कि इतना डरा दो कि वो भाग जाए पहले दिन ही। आपकी हिदायत पर तो रुकी हुई हजरत बीबी, वरना कब का उन्हें भगा देती मैं। मेरे कमरे पर कब्जा किया हुआ उस लड़के ने, जबकि पूरा घर खाली है। अच्छा मैं भी चिल्ला खींचने वाली हूँ, कल तो उसने हमला ही कर दिया मुझ पे। मैं चाहती हूँ कि तुम यही मौजूद रहो ताकि तुम मेरी मदद कर सको, ये बड़ा ताकतवर है। जी कल अंदाजा हो गया था मुझे, मैं यही मौजूद हूँ। सुबह नमूदार होते ही चली जाना। अच्छा आप खामोश हो जाओ। जी जी सर, मैं बस आ रहा हूँ 10 मिनट। तो जरूर ओके, वापस आके देखता हूं। घर से बाहर जाओगे तभी तो वापस आओगे ना साहेब। तुमने फोन तो उठाया यार। क्यों फोन कर रहे हो तुम मुझे? सिर्फ इतना बताना था कि घर छोड़ दिया मैंने अपना। क्या क्या कह रहे हो तुम? तो क्या हुआ, तुमने हार मान ली? मैं तो लड़ूंगा आखिरी टाइम तक। तो अब तुम कहां रह रहे हो? शायद एक आसेब ज्यादा घर में। अब्बा को मुनासिब पैसों में मिल गया था ये मार्केट रेट से कुछ कम, तो
पीट लिया उन्होंने, वहीं रह रहा हूँ। लेकिन अकेला नहीं हूँ मैं यहाँ, बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। तुम्हारी यादें हैं और कुछ कुछ अजनबी भूत दोस्त। तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था बाबा, पेरेंट्स की खुशी और मर्जी में ही तुम्हारी कामयाबी है। नहीं नहीं, इस वजह से मैंने घर नहीं छोड़ा कि हमारे रिश्ते के लिए अम्मा नहीं मान रही। मैंने घर इसलिए छोड़ा कि अम्मा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई। नहीं किरण, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो भी है फवाद, अब मेरी अम्मी मेरा रिश्ता कहीं और कर चुकी है। तुम प्लीज मुझे कोई फोन या कोई भी मैसेज कुछ मत करो, प्लीज फवाद। सब कुछ खत्म हो चुका है, इट्स ओवर। किरण, हेलो हेलो, यार मैं नहीं डर रहा हूं, नहीं लग रहा मुझे डर ना। मैं डरूंगा, ना क्यों ना अपनी हर एक से नफरत हो रही है मुझे, खुद से एग्जाम दे रहा हूं। तुमने मुझे मजीद तंग किया तो मैं आग लगा दूंगा इस घर को। यार सुना तुमने, आग लगा दूंगा मैं इस घर को। एक तो मेरे घर मेरी चीजों पर कब्जा कर लिया, ऊपर से धमकी भी मुझे दे रहे हो। दिल तो करता है रख के दो थप्पड़ लगाऊं साहेब, पर पता नहीं क्यों हाथ नहीं उठ के दे रहा मेरा। किरण, आप साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हैं ना? जी, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। साइकोलॉजी में ही क्यों, आप ये और सब्जेक्ट भी तो चूज कर सकती थी। मैं समझती हूँ कि अगर इंसान की नफ्सियात समझ कर उससे कोई भी ताल्लुक रखा जाए तो हम किसी भी रिश्ते को बहुत मजबूत और बहुत अच्छा बना सकते हैं। असल में रिश्तेदारियों में बढ़कर हम अगले की पसंद और नापसंद को इग्नोर कर देते हैं। जिसकी वजह से काफी रिश्ते खराब होते हैं। मेरी बेटी है ही बहुत ज़हीन, ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हमेशा ट्रॉफी लेती आई है। और पता है इस साल तो अंग्रेजी और उर्दू दोनों तकरीरी मुकाबलों में अव्वल पोजिशन ली है इसने। वो असल में आपसे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, अभी हम जब यहाँ आ रहे थे तो आपके पड़ोस में खातून हैं, उन्होंने आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें की थी। लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद तो वो सारी बातें गलत साबित हुई। माशाल्लाह से आप लोग तो बहुत समझदार हैं, अच्छे हैं। मेरा ख्याल है हर पड़ोस में कोई ना कोई एक जेलिस पर्सन जरूर होता है। अरे बात दरअसल में ये नहीं है, असल में लोगों से दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वैसे हमें तो किरण भाभी बहुत अच्छी लगी। चलिए जी, उसने तो अभी से भाभी मान लिया। Excuse me.
शर्मा गई बच्ची। भाई बेगम, मेरा वोट तो हाँ में है। चलें जी, अगर आपका वोट भी हाँ में है तो मेरा ख्याल है कि इसी बुध को कोई अच्छी सी रस्म कर ली जाए। हाँ, और इसी खुशी में चाय पीते हैं। जरूर। तुम यार क्या कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गई? अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम मेरी बात गौर से सुनो फवाद, मैं किरण की शादी करने जा रही हूँ, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, और वो भी इसमें खुश है। एक बात गौर से सुन लो, तुमने या तुम्हारी माँ ने अगर मेरी बेटी का रिश्ता खराब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बस बहुत हो गया, अब तुम तुम्हारी का रिश्ता नहीं कर रहे ना। क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारी माँ का? हाँ, क्यों क्यों वो मेरी बच्ची के होने वाले ससुराल वालों के सामने उसको जलील कर रही है, क्यों बदनाम कर रही है? बहुत हो गया। हम लोग दम दरुद करके लोगों का रूहानी इलाज करते हैं। अच्छा, आपको कोई भी मसला हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। मैं तो परेशान ही हो गई थी, कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गई। आप बिल्कुल सही घर पे आई हैं। आपके घर के पीछे वाला घर तो है, आप अंदर चले, मैं हजरत बीबी को बुलाती हूँ। किरण, किरण बेटा जल्दी आओ ना नीचे, देखो मेहमान आ गए, नजमा अभी तक नहीं आई। मैं जा रही हूँ, बैठी हूँ मेहमानों के पास ड्राइंग रूम में। क्यों परेशान हो रही हैं? मैं नजमा खाला को फोन कर रही थी, बिल्किस खाला आ गई? हाँ अब वो आ गई, मैं उसे ड्राइंग रूम में बिठा के आई हूँ। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो के आ जाओ। बहुत जल्दी हार मान गई तुम तो यार, लेकिन मैं लड़ूंगा आखिरी वक्त। क्या हुआ अगर हालात आज मेरे मुखालिफ हैं? मैं अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकती। मेरा दिमाग तो खराब नहीं होंगे, मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मेरी मंगनी है, आज सारे मेहमान मेरे घर पे बैठे हुए। दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ, और देखो जरा हैरान भी हो रहा हूँ कि तुम तो इतनी जल्दी हार गई। मुझे देखो, देखो मेरी आंखों में, मैं अम्मा अब्बा तक छोड़ दी, वो उस फिराने में जाके रहने लगा, अपनी इतनी जान की परवाह नहीं की मैंने। हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। किरण, अच्छा मैं खुद ही बुला के ले आती हूँ। नाम करना चाहती हूँ, मुझे हमारी अम्मा ने भी यही किया था, तो ठीक है कर दो बदनाम तुम मुझे। तुमसे मोहब्बत करने की कुछ तो सजा मिलनी ही चाहिए। बदनाम? नहीं, बदनाम करूंगा तुम्हें यार? ये बात तो तय है किरण, ये बात तो तय है कि मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि मैं किसी और से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। रिश्ते करने हैं तुमने, 10 रिश्ते करो, एक आध मंगनी भी कर लो, आई डोंट केयर, लेकिन तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ
मुझसे। माँ उस जोड़े के साथ सरासर जुल्म कर रही सकती थी। दिलनवाज, तुम ये सारी बातें कब से सोचने लगी? जैसा कह रही हूं वैसा करो। जो आपका हुक्म हजरत बीबी। लड़के के जहन से लड़की का ख्याल तक मिटा दो। दिलनवाज, मोहब्बत को तो मोहब्बत से ही काट सकते हैं। उस लड़के के दिल पे कब्जा कर लो। जी हजरत बीबी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, अपना सबसे पुरअसर जादू इस्तेमाल करो। कुछ ऐसा कर दो कि वो लड़का तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ना सके। बाबा, कहा था ना उसे अकेला मत छोड़ना। कहा था कि वो अंधेरों में घिरा हुआ है, अगर तुम उसे अकेला छोड़ दिया तो वो मर जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन मर जाएगा? प्रधानमंत्री। मैं दुनिया रस्ते की बात कर रहा हूं। वो सारी दुनिया से तेरे लिए लड़ने की ताकत रखता है। आप फवाद की बात कर रहे हैं? वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। तूने अगर छोड़ दिया तो बर्बाद हो जाएगा वो। आगे आगे उसके लिए चलो साहिबा, अभी वक्त है, बचा ले उसको। बाबा, दिलनवाज आपसे मिलने आ रही साहिब, अपना दिल थाम लो। आप लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए ना? जी जी, वो एक ही हफ्ता हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे इस वीराने में डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी उदास होती हूँ यहाँ के बैठ जाती हूँ। नाइस। वैसे करती क्या है आप? मैं
मैं इंसानों से मोहब्बत करती हूँ, उनके काम आती हूँ। इंसानों से मोहब्बत? आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कुछ। जी वो अम्मा बा हैं, लेकिन अभी मुझे अपने घर में अकेला ही आना है। ठीक है साहिब। मुझे इजाजत दे, शाम को मुलाकात होगी और मैं आपके लिए कुछ पका के लाऊं। अरे नहीं नहीं इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही तकलीफ होगी आपको। क्यों, तकलीफ वाली क्या बात है? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ साहिब, बस शाम का खाना मेरे घर से आएगा। ये लड़का क्या दीवारों से बातें करना शुरू हो गया? फवाद, I think मुझे कोई आवाज दे रहा है। I'm really sorry. फिर मुलाकात होगी। साहिब, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यूं अचानक, अगर मैं हॉस्पिटल होता तो? तुम अपनी माँ को तो अच्छी तरह जानते हो ना। फोन किया था उसने हॉस्पिटल, उसे पता चल गया कि तुमने ऑफ लिया हुआ और तुम घर पे ही हो। अम्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा खैर मुझे ये बताइए कि आज आप जल्दी फ्री हो गए? आज काम कुछ ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत काम था किया और फारिग हो गया। तो तुम्हारी अम्मा ने ये भेजा है तुम्हारे लिए खाना, कलेजी बनाई है स्पेशली। जी प्लीज मुझे एटलीस्ट ये खाना तो नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ, खाने पीने का बंदोबस्त खुद कर लूंगा, कर भी सकता हूँ। Come on, बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? जब तुम्हारी नाराजगी तुम्हारी माँ से है, खाने से कैसी नाराजगी? प्लीज ना, मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे अम्मा के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना, और यहाँ पे तो एटलीस्ट मैं उनकी मर्जी नहीं चलने दूंगा। जिद नहीं कर, आपको मेरी कसम। वही दिल नवाज, नाश्ता तो वाकई बहुत मजे का था, और हाँ रात का खाना भी बहुत अच्छा था। हाथ में तो कमाल का जायका है भाई। थैंक यू। शुक्रिया किस बात का साहिब, ये बताएं दोपहर में क्या खाएंगे आप? अरे नहीं नहीं, दोपहर का तकल्लुफ करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, और रात का खाना तो शायद मैं कैंटीन में ही खाऊंगा, इसलिए आपको अभी से कह रहा हूँ कोई जहमत नहीं करनी, ठीक है? ये क्या बात हुई साहब, खाना तो आप मेरे घर का ही खाएंगे। कुछ जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है। अच्छा मेरा नाम तो पूछ लिया आपने, लेकिन अपना नाम नहीं बताया मुझे। मेरा नाम है फवाद। फवाद क्या मतलब है इसका? फवाद का मतलब है दिल, हार्ट। वाह, आप दिल और मैं दिल नवाज। साहिब क्या आप मुझे पल झपकाए बगैर देख सकते हैं? I think कुछ देर तो देख ही सकता हूँ मैं आपको। तो फिर मेरी आंखों में देखिए, जो पहले पल झपकाएगा वो हार जाएगा। ठीक है ठीक है, एक सेकंड जरा मैं रेडी हो जाऊं। जी तो आइए। फवाद, 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 फवाद।
एक दिनों बार बार जाती हूँ, सारे खाने का मजा खराब कर दिया है। तुम कब आएगी मुसीबत? बेटा जल्दी से बंद कर दे। बाबा आप जो मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना, तुम जैसी बेवकूफ लड़कियों को बात समझ में उस वक्त आती है जब पानी सर से ऊंचा हो चुका होता है। देखिए मुझे बाकी आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही, प्लीज मेरी मुश्किल आसान करें। मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब तेरे हाथ में है। तू ही ना समझी तो फिर कौन समझेगा? उसे कोई नहीं बता सकेगा। किसको बचाने की बात कर रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उसके कांधों पे सवार, अपने दोनों हाथ उसकी आंखों पर रखे हुए हैं। ना वो कुछ देख सकता है, ना कोई उसे देख सकता है। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? प्लीज नाम तो ले। किरण, क्या बात है? तुम से बातें कर रही हो? अम्मी देखे ना, वो बाबा फिर आ गए। कौन बाबा? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। किरण, क्या सेव आसेप तो नहीं हो? राधिया तुमने यार। चलो सर, तुम जो कहो तुम पे जायज है। एनीवेज अच्छा किया, अच्छा लगा तुम्हें देख के। एक और बात बताऊं तुम्हें, किरण नजर आई थी मुझे आज, कुछ भी फील नहीं हुआ मुझे, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ, ना ही कोई अफसोस। लेकिन एक और बहुत अजीब सी बात हुई आज, तुम मुझे बहुत याद आई यार, बहुत मिस किया तुम्हें मैंने। सच? बिल्कुल सच। दिल करता तुम बस नजरों के सामने रहो, और जब तुम नजरों के सामने नहीं होती ना, तो अजीब सी तबीयत हो जाती है मेरी, किसी चीज में भी दिल नहीं लगता, कुछ करने का दिल नहीं करता। मेरी खुशकिस्मती है साहब। मुझे घर जाना है, जरूरी काम है, घंटे बाद मुलाकात होगी। ठीक है। हाँ साहिब, आपके लिए एक सरप्राइज है। मैं जब बाजार जा रही थी तो मैंने आपकी अम्मी अब्बा को घर का सामान उतारते हुए देखा है। साहिब प्यार से बात करना ना, उन्हें यहाँ रहने दें। लेकिन दिलनवाज साहेब, मैं कह रही हूँ ना, क्या मेरे इतना भी हक नहीं बनता? ये तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों रहते हैं हर वक्त? फिर बुखार है ना, इसका इलाज क्यों नहीं करवाती है पापा? अब तो आदत से हो गई है साथ में जलने की। वैसे बहुत शायराना मिजाज है आपका। आप सिर्फ ये बताएं, आपको ये बात अच्छी लगी या नहीं? तुम्हारी कोई बात ऐसी है ही नहीं जो मुझे नापसंद हो। घर में आपका इंतजार हो रहा होगा, जाएं? ठीक है। और वो अम्मा अब्बा से मिली? वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ भाई। देखो मैं नहीं आना चाह रहा था, ये तुम्हारी मां मुझे जबरदस्ती लेके आई है। ऑनेस्टली खैर मैं तो सो नहीं आता हूँ घर। आप लोग इस घर में रहते हैं या उस घर में रहते हैं, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
आप लोगों की मर्जी, ये घर भी आपका ही है, वो भी आप ही का है। सुन लिया, कुछ खास खुश नहीं है हमारे आने पर। वो झगड़ा तो नहीं किया ना? इसका मतलब है हमारे आने से वो खुश है। कहाँ जा रहे हैं? खाना नहीं खाना? नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस सिर्फ चाय पीऊंगा। आज भी यहीं से आई हो? दिलनवाज, अम्मा पा गए, मैं अब क्या कहूंगा उन्हें? मिलवाना है उन्हें मुझे तुमसे। इस तरह देख लिया तो क्या कहूंगा तुम्हारे बारे में? नहीं साहब, अभी उनसे मुझे मत मिलवाना। क्यों? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और वैसे भी मैं इतनी बार आपके घर आती हूँ, मैंने अपनी बहनों से भी इसका कोई जिक्र नहीं किया साहब। ऐसा ना हो कि वो मुझे यहाँ आने से मना कर दें। ये बात तो है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। जब सामने नहीं होती तो सीप सी बेचैनी होती है, दिल नहीं लगता किसी चीज में। सच? बिल्कुल सच। क्यों, किरण की याद नहीं आती आपको? फवाद ने मुझे नजर भर के देखा भी नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी मैं आज तक उसे बुलाने की कोशिश कर रही हूँ और वो मुझे भूल भी गया। उसकी नजरों में मेरे लिए जरा भी मोहब्बत नहीं थी। क्या वो वाकई मुझे भूल गया है? क्या बात है किरण? कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही। कुछ तो है, बताओ। अम्मी, मैं कल नासिर और फरिया के साथ रेस्टोरेंट गई थी ना, मुझे वहां पर फवाद मिला था। या अल्लाह, वो लड़का वहां भी पहुंच गया तुम्हारे पीछे? अरे नहीं अम्मी, मेरे पीछे वो वहां नहीं पहुंचा, वो वहां पहले से मौजूद था। महज एक इत्तेफाक था। लेकिन अम्मी। लेकिन क्या? वो मुझसे बिल्कुल ना ताल्लुक रहा, ऐसे जैसे वो मुझे जानता ही ना हो कभी। मैं तो हैरान ही रह गया, अम्मा के आने से अचानक गायब कैसे हो गई? मैं लोगों की आहटें महसूस कर सकता हूँ साहिल। मैंने भी कह दिया, बहाना लगा दिया कोई कि कोई नहीं था। नवाज, अगर तुम चाहो, तुम्हारी मर्जी हो तो मैं बात कर सकता हूँ अम्मा से, मना लूंगा उन्हें, बिल्कुल मना लूंगा। और अगर वो नहीं माने तो? परवाह नहीं है मुझे, किसी की परवाह नहीं है। एक दफा अपनी मोहब्बत खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता। नहीं खो सकता दोबारा, चाहे कुछ भी हो जाए, मानना होगा उन्हें। साहेब, आपको देर नहीं हो रही, अस्पताल नहीं जाना? तुम चलो ना मेरे साथ। नहीं आज नहीं, फिर कभी। तुम्हारी हजरत बीबी? वो अंदर है, अमलियात में मसरूफ है, आपसे नहीं मिल सकती। देखें, आप ठीक नहीं कर रही हैं। अच्छा, जो मेरे बेटे के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? कहाँ है तुम्हारी हजरत बीबी? मुझे बात करनी है उससे। ये क्या तमाशा है? यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। कैसा तावीज दिया तुमने कि मेरा बेटा पागल हो गया, अपने होश खो बैठा है, दीवारों से बातें करता है। ना वो हमें वक्त देता है, ना ही अस्पताल में ठीक से काम कर रहे हैं। तुम्हारे तावीजों के बदले में मैंने तुम्हें अच्छी खासी रकम दी थी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने जवान बेटे से हाथ धो बैठूं।
आपकी हिम्मत किस तरह हुई कि मुझसे इस लहजे में बात करें? अच्छा, कैसे बात ना करें? तुम्हारे तावीजों के एवज मैंने तुम्हें अच्छी खासी रकम दी है और तुम्हारा तावीज उल्टा पड़ गया। मेरा बेटा पागल हो गया। मेरे तावीज में कुछ गलत नहीं है, गलती तो आप में है। सफर नाम की चीज नहीं है। कितनी दफा कहा था रुक जाएं, ठहर जाएं, सबर करें। सबर किया आपने? आपको क्या लगता है चिल्ले खींचना, अमल करना आसान है बच्चों का खेल है? चार दिन हुए तुमसे तावीज लेकर गई थी और कितना सबर करूं? अरे इतने यकीन से मैं तुम्हारे पास आई थी, मैंने सोचा था कि तुम्हें सोने के कंगन दे दूंगी और तुमने मुझे जाली तावीज पकड़ा दिया। बस जाली तावीज? तेरा बेटा तेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं था। मेरे तावीज, मेरी तावीज की वजह से आज तू उसके साथ रह रही है। आला मारा, मुझे अपना बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, चाहे मैं उसके करीब रहूं या मैं उससे दूर रहूं। अगर तुमने दो दिन में उसे ठीक नहीं किया, कुछ भी करो, चिल्ला काटो, तावीज करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम मेरे बेटे को ठीक करोगी। अगर तुमने दो दिन में मेरे बेटे को ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें इस मोहल्ले में तो क्या पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दूंगी। कोई तुमसे तावीज तो क्या तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखेगा। सुना तुमने? इस औरत की खैर नहीं है, इस औरत की खैर नहीं है, इस औरत की खैर नहीं है। आप अच्छा बेटे, दिलनवाज मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, उस लड़के के दिल में ऐसा बसेरा करो कि वो तमाम दुनिया से ताल्लुक ही खत्म कर दे। उसके दिमाग को हमेशा के लिए काबू में ले आ, फिर उसकी माँ आएगी मेरी चौखट पर नाक रगड़ते हुए माफी मांगेगी। उसको पता चलेगा कि आलम आरा है कौन। जाओ, मेरी बहनें मान गई। इस बात के लिए? हमारी शादी के लिए। सच? बिल्कुल सच। मेरी बहन हमारा रिश्ता करने के लिए तैयार हो गई। सर
خالد والله خالد احمد اور وہ سے حق ہے ختم اس مسکان سے موجد غیر موجد ہم بھی طلب بن نواز بن کرفتن آپ کے نکاح نہیں جاتی ہے قبول ہے بولنا صاحب قبول ہے मेरे प्यार की हद कर अब जिंदगी भर के लिए आपके हाथ में डल गई साहेब क्या बात है बेटा किरण कुछ नहीं अम्मी मैं किचन में बर्तन धोकर आती हूँ बेटा मैंने धो दिए हैं तुम आराम करो मैं बाहर जा रही हूँ बेटा इधर आओ क्या बात है इधर आओ इधर आओ क्या बात है बेटा तबीयत तो ठीक है हाँ जी अम्मी कुछ नहीं परेशान हो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है यहाँ पे कुछ बुरा हो चुका है बेटा परेशान हो रही हूँ मैं भी तुम्हारी वजह से तुम एक काम करो सो जाओ जब सो के सुबह उठोगी ना तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह अभी मैं ये अपना काम कंप्लीट करके लाइट बंद कर लूँ शाबाश सो जाओ कैसा लगा सरप्राइज अच्छा लेकिन दिलनवाज ये इसी देर में ये सब कैसे मैनेज किया तुमने ये सब मेरी बहनों ने किया है आपने किसी आम लड़की से शादी थोड़ी ना की है अब तो ना जाने आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा दिलनवाज के हमारी शादी हुई है यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा आप खुश तो हैं ना साहेब खुश बहुत खुश हुआ है बहुत खुश बहुत ख्याल रखा तुमने मेरा बेपना प्यार दिया मुझे तो सबने तना छोड़ दिया था बिल्कुल अकेला रह गया था लेकिन तुमने बहुत ख्याल रखा मेरा बहुत प्यार किया मुझे लेकिन लेकिन अम्मा को नहीं बताया ना आप नाराज होंगे उन्हें मनाना पड़ेगा तेरे पास अरे साहिब आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं आपकी अम्मी को मैं अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी ये क्या आज फिर तुम्हें बुखार हो रहा है हर वक्त तुम्हें बुखार क्यों रहता है दिलनवाज इधर दिखाओ डॉक्टर साहब
आज की रात तो मरीज देखना बंद कर दीजिए। इस आदत से मजबूर हूँ। साहिब आप कपड़े चेंज करके आराम करें, मैं अपनी बहनों से मिलकर आती हूँ। अरे उसे बुखार भी चेक नहीं करने दे रही और बहनों के पास जाना है। नहीं आज की रात तुम कहीं नहीं जा रही। साहिब जल्दी आ जाऊंगी वापस। नहीं साहिब जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और सही, मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस, कह रही हूं ना, बस अभी गई और अभी आई। हम्म, दिलनवाज फवाद के साथ तुम्हारी शादी रचाना मेरा प्लान का हिस्सा है। मत भूलो, मत भूलो कि तुम मेरी कनीज मुवक्किल हो, मैं तुमसे कोई भी काम करवा सकती हूँ। आपकी कनीज हाजिर है सभी भी। जो मैंने सोचा है वैसा ही होगा। 3-4 दिन अब तुम उस लड़के से बिल्कुल नहीं मिलोगी। उसको तड़पने दो, इस सोच में पागल होने दो, उसकी दुल्हन गई कहाँ? रशीदा पे इस बात का क्या असर होगा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और एक और बात दिलनवाज, तुम जानती हो ना, तुमने उस लड़के से कोई जज्बाती लगाव नहीं रखना। इंसान और जिन के ऐसे ताल्लुक नहीं होते, जानती हो ना। तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे हुक्म पे चलना है। कुछ और करने की कोशिश की, मैं अपने वजीफे से तुम्हें जला के राख कर दूंगी। दिलनवाज, दिलनवाज कहाँ हो तुम? दिलनवाज दिलनवाज किसे आवाजें दे रहे हो फवाद? क्या हो गया बेटा? दिलनवाज को मां, दिलनवाज। कौन दिलनवाज? हाँ मेरी बीवी, आपकी बहू दिलनवाज। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्या कह रहे हो? पड़ोस में रहती है, हमारे पड़ोस में रहती है। घर क्यों नहीं आई, वापस क्यों नहीं आई घर? दिलनवाज कहाँ है? दिलनवाज मां एक सेकंड, मत दिलनवाज। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारी शादी हुई है। सॉरी मैंने आपको बताना था, मैं बता नहीं सका, शादी हुई थी यहाँ बैकयार्ड में, शादी हुई थी हमारी बैकयार्ड में। मेरा यकीन करें मेरा, किस तरह से समझाऊं मैं आपको, नहीं समझा पा रहा ना। मुझे लगता है तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है, तुमने ख्वाब देखा होगा अभी भी कोई ख्वाब नहीं देखा। आपको नहीं यकीन आ रहा ना आपको? मैं आपको उसको सामने लेके आता हूँ, आपके सामने लेता हूँ, आप यही रहिएगा, यही रहिएगा। फवाद मैं सामने लेके आता हूँ, अम्मा सामने लेके आता हूँ, मैं यही रहिएगा। मेरी चप्पल कहाँ है? फवाद, फवाद कौन जी बोले? दिलनवाज कहते हैं। दिलनवाज की छोटी बहन है। दिलनवाज, दिलनवाज यहाँ कोई दिलनवाज नहीं रहती, आपको गलत फहमी हुई। कोई गलत शाला खैर, कौन है आप? दिलनवाज कहाँ है? कौन दिलनवाज? कौन दिलनवाज? आपकी छोटी बहन दिलनवाज, और कौन? उधर देखो वो मेरी बहन है जहां आ रहा। नहीं, इनसे भी छोटे की बात करूं, दिलनवाज की बात करूंगा। दिलनवाज कहाँ है? कहाँ है दिलनवाज? मेरी तो एक ही बहन है जहां आ रहा, कहाँ है? उसका नाम दिलनवाज नहीं है। क्या दिमाग तो ठीक है आपका? निकाह में आई थी आपको करने, आप दोनों मेरे निकाह में शामिल थे, ऐसी बातें कर रही हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? हम दोनों तो आपको पहली दफा देख रहे हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हूँ आप? हाँ फवाद, फवाद बेटा घर चलो। दिलनवाज का घर है। मैं अपनी बीवी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद बात करें, खुद अपनी जबान में समझाएं। मैं दिलनवाज के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं दिलनवाज को लेकर जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, दिलनवाज को मैं लेकर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रशीदा, तो ये आपका बेटा है?
क्या 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 कह रही है बाबा, आप जानती हैं? जी जी, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी अम्मी आपको काबू करने के लिए मुझसे ही तो तावीज लेकर जाते हैं। ये सब तुम्हारे तावीजों का असर है, सब उल्टे हो गए। मेरा बेटा अपने होश खो बैठा है। कोई होश नहीं खोया मैंने, खाने खाए इनके घर के मैंने। मुझे खुद बताया था दिलवाज़ ने, ये दोनों उनकी बड़ी बहनें, आलम आरा और जहारा। ठीक है ना, ठीक कह रहा हूँ ना मैं, मुझे सब पता है, सब पता है। मेरे साथ झूठ मत बोले, आप लोग फ्रॉड हैं। कहाँ से फ्रॉड है बताओ? रशीदा अपने बच्चे को ले जाओ, खतरनाक लग रहा है, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। पुलिस तो मैं बुलाऊंगा, पुलिस बुला लेंगी। छोटी औरतें झूठ बोलती हैं, फ्रॉड है ये लोग, फ्रॉड है। मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रॉड है। बुलाओगे तो क्या कहोगे बताओ? घर खुला है, जाओ देखो, ये दिलवाज़ लोग हैं। झूठे झूठे लोग हैं, झूठे झूठे लोग हैं। दिलवाज़ दिलवाज़ खालिद कहाँ हो तुम? जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो, फवाद की तबीयत खराब होगी, उसे तेज बुखार हो गया, पागलों जैसे बातें कर रहा है। तुम जल्दी से आओ। क्या हाल हो गया साहब का मेरी जुदाई में? वो सच में मुझसे कितनी मोहब्बत करने लगे हैं। पत्थर दिल लोगों की गुलामी करते करते दिलनवाज तुम भी पत्थर की हो गई हो, जो अपने साहिब को तकलीफ में देकर कितनी अनजान बन गई है। लेकिन क्या करूं मैं, अभी तो ये लोग साहिब को पागल समझ रहे हैं। अगर मैंने उन्हें अपने होने का यकीन ना दिलाया तो वो सचमुच पागल हो जाएंगे। होश आया उसे? होश आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा, फिर बेहोश करना पड़ेगा। पता नहीं हमारे किन गुनाहों की सजा हमें मिल रही है। डॉक्टर मुझसे फवाद की हिस्ट्री पूछ रहा था, कह रहा था कि इससे इलाज में बहुत हेल्प मिलेगी उसे। मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया, मैंने बताया है कि तुमने कैसे फवाद से उसकी मोहब्बत को दूर किया। तो क्या करती? बच्चा जब आग से खेल रहा हो तो क्या उसका हाथ जलने देती? मैंने आग ही हटा दी। आग तुम्हारी झूठी अनाज, तुम्हारी हठधर्मी, तुम्हारी जिद है। आप किरण, तुम चाहे मेरी बेइज्जती करो, चाहे मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो, कुछ भी करो बेटा, लेकिन मेरी बात जरूर सुन लेना। मेरे बच्चे को बचा लो। मेरा बेटा पागल हो गया। क्या हुआ है फवाद को? मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, वरना मैं कभी भी। आंटी अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। लेकिन आप छोड़ें इन बातों को, आप मुझे ये बताएं कि फवाद को क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि वो पागल हो गया है? वो ज़हनी मरीज बन गया है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। अजीब सी बहकी बहकी बातें करता है, दीवारों को देखता रहता है, हंसता रहता है अकेले में बैठकर, और अजीब अजीब से दौरे पड़ते, कहते हैं कि कोई लड़की है, लेकिन लड़की तो कोई भी नहीं है। कहता कि उससे उसकी शादी हुई है। मैं क्या कर सकती हूँ आंटी?
बेटा तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो खुश हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा रशीदा। रशीदा बेगम तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब अगर आ गई हो तो हम माँ बेटियां इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, यहाँ से जा सकती हो। अच्छा ना मत करना, खुदा के लिए ना मत करना, मेरा एक ही बेटा है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी भी एक ही बेटी है और उसे तुमने बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। हाँ मुझे सजा मिल गई है ना, मिल गई है मुझे सजा। देखो मेरा बेटा पागलखाने चला जाएगा, अफशा तुम तो जानती हो ना मेरा बेटा कितना होनहार डॉक्टर है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अफशा खुदा के लिए मेरी बात मान लो, मैं इसे अपने सीने से लगा के रखूंगी। नजमा को तुमने क्या कहा था? हमारे घर के बाहर रात को गाड़ियां आके रुकती हैं। हम माँ बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है, सब कुछ बता दिया उन्होंने हमें, इसलिए कि तुम झूठी थी। मम्मी एक मिनट। आंटी मैं फवाद से मिलने जरूर जाऊंगी। किरण तुम कहां गायब हो जाती हो यार, कि सब लोग पागल समझ रहे हैं मुझे, मैं पागल हूं? साहब मैं यही हूं आपके पास। बहुत अच्छा, क्या आज हमें सबसे मिलना होगा, चलो आ जाओ। कहां लेके जा रहे हो? मैं नहीं जा सकती कहीं, मजबूर हूं, नहीं मिल सकती किसी से। लेकिन क्यों? कहां ना मैं मजबूर हूं, खुदा के लिए मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। अच्छा मजबूर, सब समझ में आ रहा है मुझे क्या मजबूरी है। वो तो बहने मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ना वो, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं उनको, सारी दुनिया को, सबको सच बता दूंगा तुम मेरी बीवी हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो, कहा ना मजबूर हूं मैं, नहीं मिल सकती किसी से। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें मिलना होगा, तुम्हें मिलना होगा। साहिब जब सही वक्त आएगा तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, अभी मैं किसी से नहीं मिल सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पागल समझते हो, पागल लगता हूँ यार। देखो मैं ठीक में हूँ डॉक्टर, मैं तो नहीं हूँ बिलवास। आप पागल नहीं हैं, मैं मजबूर हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर फवाद, तुमने तुम साथ झूठ बोलते हैं, आपको नजर नहीं आ रही, आपको नजर नहीं आ रही। डॉक्टर फवाद आप प्लीज रेस्ट कीजिए, आइए। डॉक्टर
जिसको इस हाल में पहुंचाया है उससे माफी मांग, हमसे क्या माफी मांग रही है? अच्छे भले आदमी से तो सब मोहब्बत कर लेते हैं, किसी दीवाने से मोहब्बत करके दिखा तो माने? मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। आखिर कौन है वो लड़की जिसकी वजह से फवाद ने मुझे बुला लिया? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है या फिर मुझसे ज्यादा फवाद को जानती है? लेकिन फवाद ने मेरे साथ 3 साल गुजारे हैं, वो मुझसे ज्यादा फवाद को कभी नहीं जान सकती। लेकिन नशीदा आंटी तो कह रही थी कि ऐसी किसी लड़की का वजूद नहीं है, मगर उन्हें क्या पता, उन्हें तो हमारे बारे में भी कुछ नहीं पता था। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो है। घंटे में कमरे में मिलो। आधे घंटे में क्यों, अभी क्यों नहीं? क्योंकि मेरी मर्जी, इंतजार करो मेरा। और अगर आधे घंटे बाद मुझे मेरी बहनों ने ना निकलने दिया तो? तुम्हारी बहनों से तो मैं बाद में निपट लूंगा, लेकिन पहले तुमसे कुछ जरूरी बातें कर लो। हाय साहब, मुझे तो डर लग रहा है, अपने दिल नवाज पे इतनी सख्ती करेंगे आप? फवाद, आधे घंटे में बोलना मत। अब बताओ सारी बात, कौन हो तुम और अगर तुम हो तो किसी और को नजर क्यों नहीं आती? हाय साहब, आते ही इतना मुश्किल सवाल। पहले थोड़ा खुद को देख तो लेने देते, जी भर के बातें कर लेने देते। दिलनवाज, फजूल बातों में वक्त जाया मत करो, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए और मैं मजीद इंतजार नहीं करूंगा। काश साहब, काश आप ये कहते कि आपको कितनी बेचैनी से मुझसे मिलने का इंतजार था। मेरी बातों को मत डालो, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा वजूद किसी और को नजर क्यों नहीं आता? वजूद? वजूद ही तो नहीं मेरे पास, अगर मैं सच बताऊंगी तो मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे ना साहब? दिलनवाज, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, कौन हो तुम? मैं इंसान नहीं हूं, जिन जाते हैं।
और आपके पड़ोस में जो दो बहनें रहती हैं, मैं उनकी गुलाम जिन हूं। कर रही थी। तुम कब आए? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आपको तो मुझसे मिलने का ख्याल ही नहीं आया। हाँ, वो मसरूफ था बहुत। क्या छोड़े, मैं और अम्मी आए थे एक दो दफा, पर आंटी भी आई। नहीं नहीं, सिर्फ मैं आई, आपके पास रहूंगी। मेरा मतलब है आप लोगों के पास रहूंगी, बहुत सारे दिन के लिए आई हूँ मैं। और आपको भी अपनी मसरूफियत से ना थोड़ा टाइम निकालना है, इतने अरसे की कसर जो पूरी करनी है। अब आप यहाँ क्या खड़े हैं? आए ना, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। करूँ, कजन है मेरी और वो बचपन से ही ऐसी, इसने तो माँ बेटी से दूर भागता हूँ। दूर तो नहीं भागे, वो तो बहुत करीब थी आपके। नवाज, तुमसे ज्यादा करीब तो नहीं थी, अब ऐसी बातें करोगी तुम? क्यों ना करूँ, आखिर मेरा भी दिल है। और सच बताऊं तो मोहब्बत में शराकत कोई मखलूक बर्दाश्त नहीं करती साहिब। कोई शराकतदारी नहीं है, ना ही मुझे उससे कोई मोहब्बत मोहब्बत है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, होगी वो मेरी खाला की बेटी, लेकिन मेरी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत, कोई जगह नहीं और ना कभी हो सकती है, कभी नहीं। आंटी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? नींद नहीं आ रही थी, मसाला पीस रही हूँ। लेकिन रात को इस वक्त आप मसाले पीस रही हैं? हाँ, मैंने सोचा कुछ काम कर लूं। अच्छा चलें छोड़ें, मैं कर लेती हूँ। पता है आंटी, आप ना फूड फैक्ट्री खरीदते हैं, अम्मी तो ना सारे मसाले उसी में पीसती हैं, मैं भी कभी कभी उनकी हेल्प कर देती हूँ। मशीन में तो सारे काम जादू की तरह हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन सच पूछें तो जो मज़ा हाथ के कूटे हुए मसालों में आता है, वो मशीन के मारिया किससे बातें कर रही हो बेटा? क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें मारिया? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने खुद आपसे बात की थी, आप किचन में मसाले पीस रही थी। बोले ना आंटी, आप थी ना वहाँ पे? अरे बेटा क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग सही है? मैं आधी रात को भला क्यों मसाले पीसने लगी? सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? मैं नहीं मान सकती, मुझे अच्छी तरह याद है आपने मुझे मसाले पीसने के लिए कहा था, उसके बाद आप अलमारी से मसाले निकालने के लिए गई थी। मैं मारिया, 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 रिलैक्स, सब ठीक, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। मेरी आंखों में देखो, देखो, मैंने खुद आंटी को, मेरी आंखों में देखो, रिलैक्स, रिलैक्स, मगर मैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बहन हमीदा है, हजरत बीबी है? जी वो अंदर है।
आप अंदर आ जाए। आ जाओ। हुआ? दिल का सुकून ढूंढने आई है ना, तेरी वजह से कोई बर्बाद हो रहा है, तुझे दिल का सुकून नहीं मिलेगा। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से, तेरी ही वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप प्लीज मेरी मदद करें। बचा ले उसको, बचा ले उसको उसके शर से। सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी उसने तेरे आशिक की, नीस तो नाबूद कर देगी वो उसे, ना जिंदों में रहेगा ना मुर्दों में। चली जा, चली जा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। अभी भी जा यहां से, जा यहां से। किरण, किरण, किरण जी। अम्मी, क्या है, तुम किधर गुम हो, किन ख्यालों में हो? नहीं, मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते पता नहीं किस सोच में चली गई। जाहिर है, जब खाए पिए बगैर घंटों यूं बैठ के पढ़ोगी कमरे में तो और क्या होगा, यही हाल होगा ना। सो गए? चले, कोई बात नहीं। मुझे पता है आपने अपने हॉस्पिटल से छुट्टियां ली हैं, कल आपको कहीं नहीं जाने देंगे। फातिहा तो तुम यहाँ से भी पढ़ सकती हो, उसके लिए अंदर जाने की क्या जरूरत है? बात सुनो, यहाँ बहुत रश होता है, तुम्हें यहीं से फातिहा पढ़ लो। यही मंजर था, यही कवारी थी, आगे भी यहीं कहीं होना चाहिए। एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई करो तो ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी यहाँ पे कोई धागा वागा नहीं है, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। मैंने चलो, बाकी ये धागा यहाँ कैसे, यहाँ तो कोई भी धागा नहीं। फवाद, देखिए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारे जहन मिल जाएंगे। मैं इसीलिए तो आई हूँ यहाँ, और आपको पता है हमारे पेरेंट्स इस रिश्ते पे बहुत खुश हैं। एक्सक्यूज मी, कौन सा रिश्ता? हाँ, कितनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम से भी समझा लिया, प्यार से समझा लिया, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। पर तुम तो यहाँ से जाओगी नहीं। कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। फवाद,
मारिया 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 बेटा मारिया 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 बेटा दरवाजा खोलो मारिया 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 अगर तुम लोग लाइब्रेरी में थे तो कम से कम मुझे फोन करके बता तो देते। मैं 2 घंटे तक बिना वजह परेशान होती रही। तो असल में आंटी मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे ना, तो इस वजह से हमें पता ही नहीं चला आपकी कॉल्स का। अच्छा, तो पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत मुश्किल था आंटी, इसको तो बहुत आसान लगा। कह रही थी सारे सवाल के जवाब परफेक्ट देके आई है। अच्छा किया तुमने उसके साथ, अच्छा जांच हुई नहीं, उसी की वजह से भागा, उसी की वजह से घर छोड़ा था मैंने। लेकिन ये भी तो अच्छा हुआ मेरा घर से जाना तुम्हारे लिए तूफान आने का बहाना बन गया। हाँ हाजिर हो गए हजरत दीदी। कैद मुबारक हो दिलनवास। दिलनवास तुम उम्र कैद बहुत मुबारक हो, अब तुम सारी उम्र इन जंजीरों में जकड़ी हुई अपनी मोहब्बत के लिए तड़पोगी। ये वही मोहब्बत है जो तुमने अपनी हजरत बीबी की आंखों में धूल झोंक कर की। आप ज्यादा देर दिलनवाज को इन जंजीरों में कैद नहीं रख सकती, नहीं बांध सकती मुझे। ये जंजीरें बहुत जल्द खुलने वाली। गलत कह रही हो तुम, कुछ नहीं जानती तुम। ये जंजीरें तब तक पड़ी रहेंगी, फंसी रहोगी तुम इनमें जब तक मैं नहीं मरती। हाँ तो मरने वाली है ना, मरने वाली। छोटी बीबी आपने हजरत बीबी को नहीं बताया कि डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया? हाँ हजरत बीबी, सर आपके पूरे जिस्म में फैल चुका है, आप बस चंद दिनों की मेहमान है, चंद दिनों की।
तो फिर हम क्या करें? वो बाज नहीं आएगा, वो यहाँ बार बार आएगा, पर हम दिलनवाज को छुपा तो नहीं सकते ना, वो यहीं रहती है। इन लोगों ने मुझे कैद कर लिया है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। बांध दिया है मुझे, मेरे पर कट चुके हैं। जब तक हंसी दीदी की सांसें चल रही, मैं यहाँ से नहीं तक नहीं सकती। लास, मैं कुछ करूँ? मैं कुछ कर सकता हूँ? कुछ कुछ नहीं कर सकता साहब, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमें बस इंतजार करना है। इंतजार? कैसा इंतजार? मेरे मरने का इंतजार, क्योंकि उससे पहले तो इस जंजीर को कोई नहीं हिला सकता। और आप तो कह रही थी कि दिलनवाज नहीं है, ये कौन है? मेरी गुलाम, एक जिनजादी, कोई इंसान नहीं है जिसका तारुफ सबसे करवाऊं। बीवी है मेरी, ये शादी हुई है हमारी, पर आप लोग मेरी शादी में मौजूद थे। वो शादी की कोई अहमियत ही नहीं थी, वो तो एक ड्रामा था। खुद बताओ, अक्ल लड़ाओ, एक इंसान एक जिनजादी से कैसे शादी कर सकता है? आज हजरत बीबी तुम्हें एक मुफ्त का मशवरा देती है, जाओ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, भूल जाओ इसको। हजरत बीबी ठीक कह रही है, चले जाओ, चले जाओ। नहीं दिलनवाज, तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? उसको तोड़ लूंगा। कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा दिलनवाज को उनके चुंगल से निकालने का। क्या वो जंजीरें इतनी मजबूत हैं कि किसी चीज का कोई असर नहीं हो सकता उन पे? जरूर उन मकार औरतों ने उन जंजीरों पे कोई इल्म किया होगा, लेकिन ऐसे इल्म की कोई ना कोई कार्ड तो जरूर होगी। दिलनवाज उनके काबू में कैसे आ गई? क्या वाकई इस तरह का इल्म जमात को अपने काबू में कर लेता है? सब मुझे कैसे पता चल सकता है? क्या करूं? कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। या अल्लाह, मुझे जन्नत के असर से बचाना, क्या बड़ा घर है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं किरण बात कर रही हूँ। हाँ बेटा, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे हैं आप लोग? और फवाद की तबीयत अब कैसी है? अरे बेटा क्या बताऊं, किस अजाब से गुजर रहे। अच्छी खासी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। मैं तो उस दिन को कोस रही हूं जब मैंने फवाद को तुमसे अलग करवाया। क्या हुआ आंटी, खैरियत तो है? फवाद ठीक नहीं है बेटा, वो किसी जिनजादी के असर में आ गया है। और वो कहता है कि मेरी उससे शादी हुई है। क्या?
कैसी तबीयत है हसरत बीबी? फिक्र मत करो, मरी नहीं हूं, इतनी जल्दी मरूंगी भी नहीं, और मरूंगी तो तुम्हारा बंदोबस्त करके मरूंगी। मुझे तो ऐसा रहने दे बड़ी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करें। कर लूंगी बाद में। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की बेटा, और तुम फवाद के लिए इतना सब कुछ कर रही हो। ऐसे नहीं कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, और दिल से माफ करना बेटा, वरना मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। संभालिए खुद को, ऐसी बातें करके मैंने फवाद के साथ भी बहुत ज्यादती की, और तुम्हारे साथ भी, और आज मेरी जिद का नतीजा है, मेरा बच्चा उस चुड़ैल के चंगुल में फंस गया। इससे कितनी अजीब सी बात है ना, जो भी आपने मुझे फोन पर बताई। तुम मेरी बात का यकीन करो बेटा, मैंने खुद मारिया का बुरा हाल देखा है जो चुड़ैल ने किया। सच कह रही, मुझे माफ कर दो। साहिब, चले पास। देखो मैं आ गई हूं तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए। तू? हाँ साहिब। इसका मतलब है कि मेरे वजीफा एक रात में खत्म हो गया? नहीं, मैं आजाद हो गई हूं। पता है, मैं हजरत बीबी के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, वादे किए उनसे, उन्हें मुझ पर रहम आ गया, माफ कर दिया उन्होंने मुझे। तुम सच बोल रही हो? सच बोल रही? क्यों साहब, यकीन नहीं आ रहा ना? सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सच। शायद हजरत बीबी को मालूम हो गया है कि वो मरने वाली है। आपने तो सुना होगा ना कि जब इंसान मरने वाला होता है तो खुदा कुदरती तौर पे उसके दिल में रहम डाल देता है, इसलिए माफ कर दिया उन्होंने मुझे। क्या साहिब, इतनी दूर क्यों बैठे हो मुझसे? इधर आओ ना, आओ साहेब, साहेब आओ।
आप ही जाओ आओ ना आओ साहेब इधर आओ ना मेरे करीब साहिल फवाद 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 क्या हुआ बेटा क्या हुआ मेरी जान फवाद बेटा उठो क्या हुआ मेरे बच्चे आंखें खोलो बेटा फवाद उठो बेटा फवाद उठो बेटा फवाद आंखें खोलो फवाद फवाद क्यों हुआ बेटा चलो शाबाश उठो चलो अपने बेड पर लेटो चलो 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 शाबाश आओ चलो उठो शाबाश चलो मेरा बेटा उठो शाबाश आराम से चलो यार बेटा ये बात तो तय है ये बात तो तय है कि मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि मैं किसी और से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा रिश्ते करने हैं तुमने 10 रिश्ते करो एक आध बंदी भी कर लो आई डोंट केयर लेकिन तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी सिर्फ मुझसे कौन तेरा मसीहा लेकिन तुझे मसीहों से क्या काम कि तू लुटना चाहता है ना लुटेरों से दिल लगाएगा
इसे कभी ना उतारना। बाबा जी लेकिन ये कहां से आया? जहां पे तेरी अकल खत्म होती है ना वहां से विज्ञान का सफर शुरू होता है। ये धागा वहीं से आया है। बाबा जी हेलो। चले गए तुम फरहान, तुमने तो मुझे बहुत यकीन दिलाया था कि मेरी शादी सिर्फ तुमसे होगी। भले मेरा रिश्ता किसी से भी हो, मैं किसी से भी मन नहीं कर लूं, लेकिन दुल्हन में सिर्फ तुम्हारी बनूंगी। देख लो फरहान, मैं किसी और के दुल्हन बनने जा रही हूं, तुम कुछ नहीं कर सके। ये क्या किरण, तुम्हारी मेहंदी का रंग क्यों नहीं आया? सही है बस बेटा, चलो मैं जा रही हूँ टेंट वाले के पास, तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगी। हाँ हाँ चले आंटी। क्या जरूरत है तुम्हें जाने की? तुम्हारे कपड़े मंगवा लेते ना, यहीं पे तैयार हो जाना। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं घर जाऊंगी और अपनी अम्मी के साथ ही तैयार होकर आऊंगी। चलिए आंटी। अच्छा किरण तुम बेटा बंद कर लेना यहाँ से, है चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ। मैं आती हूँ। सारी तैयारी होगी मुझे छोटे से। क्यों आए? मैंने कहा था ना मैंने किसी और से शादी होगी, तो याद है ना तुम्हें? याद है ना आज? प्लीज यहां से चले जाओ, तुम्हारे लिए अब यहाँ कुछ भी नहीं है। दो दिन बाद मेरी शादी है, मर चुकी है तुम्हारी किरण। मर चुकी है? इधर आओ, इधर देखो। वाह, बिल्कुल नहीं मरी है। नहीं मरी है, बिल्कुल जिंदा, अपनी पूरी होश आवाज में हो। तुम किसी और की नहीं हो सकती, किसी और की नहीं हो सकती। और क्यों हो चुकी है? किसी और की हो चुकी हूँ फवाद, तुमने बहुत देर कर दी है। मैं हॉस्पिटल भी आई थी तुमसे मिलने, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, पहचान तक नहीं थी। पागल हो गया था मैं, मुझे नहीं पता वो दिन हफ्ते कहाँ गए, कहाँ से आए, मैं कुछ नहीं जानता। अगर पता होता तो सारी दुनिया से चुरा लेता तुम्हें, चुरा लेता। भरोसा करती हूँ ना मुझ पर, भरोसा करती हूँ ना मुझ पर, भरोसा मुझ पर बोलो
और जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। शायद यही हमारी किस्मत है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं वही हूँ, तुम वही हो, हमारी मोहब्बत हुई। इनकार कर दो रिश्ते से, मना कर दो उन्हें। कैसे मना कर दूं? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? क्या नहीं बदला? सब कुछ तो बदल गया। मुझे बताओ क्या है पहले जैसा? क्या है पहले जैसा? पहले जैसा सब कुछ है। मेरी माँ बदल गई है, मान गई है ना। वो तुम्हें खुद लेके आई थी, खुद तुम्हें लेके आई थी ना तुम्हें। तुम्हारी अम्मा के मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं नहीं मानूंगी, और मेरी अम्मा वो तो कभी भी नहीं मानेंगी। प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं बदनामी में रह के सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम्हारी अम्मा की वजह से बहुत बातें सुन रही हूँ पूरी दुनिया से। प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुश्किल से मैंने खुद को समेट रखा था फवाद, तुम क्यों आए? ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और की मायूं अटेंड कर रही हूं। पता नहीं क्यों सब लोग अजनबी लग रहे थे। मैं क्या किया फवाद? तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है किरण, फवाद उस जिनके असर में बेबस हो गया था, वरना वो बदला कभी भी नहीं था। आपके आगे हाथ जोड़ती, जैसा चाहोगे वैसा होगा, मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं कभी किसी के सामने हाजिर नहीं होंगी, कभी किसी को अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताऊंगी। जाहिर मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं वादा करती हूँ आपसे, दिलनवाज बगैर किसी इल्म के सारी जिंदगी आपकी गुलाम रहेगी। साहब मुझे छोड़ के मत जाओ। साहिब मुझे कोई गुलाम नहीं चाहिए, मुझे नहीं करवानी तुमसे गुलामी, कोई गुलामी नहीं करवानी। किस तरह समझाऊं तुम्हें, ये सब मुमकिन नहीं है, ये नहीं है मुमकिन। मुझे देखो, देखो मुझे, कितनी मोहब्बत की थी मैंने किरण से, कितनी मोहब्बत। कुछ मिला मुझे? कुछ भी नहीं। उसकी तो शादी हो रही है कहीं और, किसी और की वजह की, कुछ नहीं कर सका। हाँ ये सच है कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, सबको समझाया, खुद को समझाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरी किस्मत में नहीं थी। तो जिस तरह वो मेरी किस्मत में नहीं थी, मैं भी तुम्हारी किस्मत में नहीं हूं। मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, दिलनवाज समझो इस बात को प्लीज। मैं बीवी हूं आपके साथ, शादी हुई हमारी। दिलनवाज
आज मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं तुम्हें? क्या करूं और खत्म कर देता हूं खुद को, नहीं कर सकता। जब मैं इस घर में आया था टूटा हुआ था मेरा दिल, कमजोर था मैं बहुत साइकोलॉजिकली इमोशनली। उसी कमजोरी का फायदा उठाया तुम, उसी कमजोरी का फायदा उठाया तुम्हारे। मेरे लिए बेहतर ये कि तुम मुझे भूल जाओ नवाज। मैं तुमसे कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता, ना मैंने कभी तुम्हें दिल से चाहा। तुम ये बात अच्छी तरह जानती थी, मैं ये नहीं कर सकता नवाज, कभी नहीं कर सकता। और अगर हो सके तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तंग आ गया अपनी जिंदगी से। Thank you.
किरण, क्या बात है? कुछ नहीं किरण, तुम कुछ उदास और परेशान लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किरण, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। किस चीज के लिए? शादी से मना करने के लिए। जी किरण, तुम्हें पता है जब मैं और मेरे घर वाले पहली दफा तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घर आए थे, तुम्हारे पड़ोस में खातून मिली थी मुझे, और उसने तुम्हारे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें भी की थी हमसे, लेकिन मैंने और मेरी फैमिली ने उनकी किसी भी बात को कान नहीं दिया। वो खातून आज फिर मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम उनके बेटे से बहुत मोहब्बत करते हो। फिर मुझे तुम्हारे उदास और मुझे गुजर रहने की वजह मालूम हो गई। जब तुम ये शादी इसलिए कर रही हो, तुम्हारी मामा ने हमसे कमिटमेंट कर लिया है ना, प्लीज किरण ऐसा मत करो। किरण, इससे तुम मेरी, अपनी और पवार और हम तीनों की जिंदगियां तबाह कर दो। और कर भी क्या सकती हूँ? तुम कुछ नहीं करो, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या मतलब? बंद करें ये सब तमाशा, बंद करें सब ये। अम्मी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या हुआ है? क्यों बेटा? क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। पहले वो मेरी जिंदगी में नहीं थी, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी में वापस आ गई है, इसलिए मैं भी ये शादी नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नासिर, नासिर क्या कह रहे हो? नासिर, बेटा मेरी बात सुनो। नासिर, कहाँ जा रहे हो? नासिर, मेरी बात तो सुनो। नासिर, कहाँ जा रहे हो तुम? फवाद, उठ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा नाश्ता बना के ले आई हूँ। 11 बज रहे हैं बेटा, उठ जाओ ना बेटा। अब्बा चले गए? अरे उन्हें तो गए हुए घंटा भर हो गया, किसी क्लाइंट को अपने वाला घर दिखाना था। बस दुआ करो कि वो भूत बंगला किराए पे चला जाए। तुम्हारे अब्बा को तो बहुत दुख है वो घर छोड़ने का। अरे तुम्हें खबर देनी थी, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम तो रात भर सो रहे थे। क्या हो? अरे रात को उस लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया किरण से। क्या? कह रहा था कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। पता नहीं बेचारी किरण की क्या किस्मत में लिखा है, उसकी माँ को तो गशी के दौरे पड़ रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपने उसका सजा ही कर दिया। नहीं बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे उससे बहुत हमदर्दी है। मैं तो हॉस्पिटल भी लेकर आई थी तुमसे मिलवाने के लिए, मगर तुमने कोई खास ही नहीं डाला। आप? हाँ।
बहुत अफसोस हुआ बेटा, मुझे तो पड़ोस से पता चला। अल्लाह रहम करे तुम लोगों पे। माशाल्लाह रशीदा, मेरी बेटी का घर बर्बाद करके, हमारा सुकून बर्बाद करके अल्लाह से हमारे लिए दुआएं भी मांग रही हो। अच्छा गोरख धंधा शुरू किया है तुमने। अफशा बहन तुम खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से मुझे बहन कहा। किरण ये है सारे फसाद की जड़, इसने नासिर को फोन किया और हमारे खिलाफ भड़काया है। कैसी बातें कर रही है अम्मी? मैं ठीक कह रही हूँ किरण, ये औरत है सारे फसाद की जड़। वरना क्या मजाल थी उस शरीफ लड़के की कि वो एहन शादी से एक दिन पहले रिश्ते से इनकार कर दे। इसने भड़काया है उसे। अफशा तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बातों में, समझ में नहीं आती, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। अम्मी घर आए हुए मेहमान से ऐसी बात नहीं करते। चुप करो तुम। और तुम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना हमें। जाओ यहां से, जा सकती हो तुम। क्या किया आपने ये? चुप, बिल्कुल चुप। क्या हुआ, आप मिली थी उनसे? मिली थी मैं उनसे जाके, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया। किरण ने इनकार किया? नहीं, उसकी माँ ने। वो बेचारी तो खामोश खड़ी भी थी। और वैसे भी बेटा गलती तो मेरी है ना, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अभी तो उनके जख्म ताजा हैं, कल ही तो उसका रिश्ता खत्म हुआ है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अगर किरण तुम्हारे मुकद्दर में है तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे अलग नहीं कर सकते। सच तुम फिर आ गई। आप अपना कुछ सामान भूल गए थे घर में, वो वापस लौटाने के लिए आई। ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा सामान है दिलवास। इससे आगे किसी और को पहनाओ, ये मेरे लिए है ही नहीं। कैसी बातें करते हो साहब? मेरा दिल आपके लिए धड़कता है, मेरी रूह में आप बसते हो। ये मैं कैसे किसी और को दे सकती हूँ? देखो दिलवास, मैं यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे दिल में, दिमाग में सिर्फ किरण है, उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। लेकिन किरण से आपका निकाह तो नहीं हुआ ना? तो निकाह तो तुम्हारे साथ नहीं हुआ मेरा। एक इंसान का एक जिनके साथ निकाह हो ही नहीं सकता, मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानता। समझ आई तुम्हें? हम दोनों के लिए बेहतर ही तुम यहाँ पे ना आया करो, जितना दूर हो मुझसे उतना ही बेहतर है। अब किसी किसी और को घर कराए भी दे रहे हैं ना, जादू जाके उन लोगों पे चलाओ। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ दो दिलवास, प्लीज प्लीज। वालेकुम सलाम। अम्मी है घर पर? नहीं, अम्मी तो घर पे नहीं है।
अंदर आने का नहीं कहोगी? आई एम सॉरी, प्लीज आइए ना, अंदर आइए, आइए। जा रहे साहब? रास्ते से हटो दिलनवास। रास्ते में मैं नहीं, वो आ गए। मैं किरण से तब से मोहब्बत करता हूं जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। जानते तो आप मुझे अब भी नहीं, आप नहीं जानते कि आपकी दिलनवाज अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दिलनवाज मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं होती। तुम ये सब कुछ करके मुझे खुद से मजीद दूर कर रही हो और कुछ नहीं। तो फिर क्या करूं साहिब, कैसे आपको मनाऊं? आप ही मुझे वो रास्ता दिखा दें जिस पे चल के आपके दिल तक पहुंच सकूं। मेरे दिल तक पहुंचने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ठीक है, उसने मुझे आपके काबिल नहीं छोड़ा, मैं उससे आपके काबिल नहीं छोड़ूंगी। तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी दिलनवाज, कोई नुकसान नहीं। तो फिर मान जाओ ना साहिबू, जिससे अपनाना है अपनाओ, जिससे शादी करनी है करो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं अपनी मोहब्बत किसी से बांटने नहीं दूंगी। तो मेरे रास्ते से नहीं हटोगी, मुझे अपना रास्ता बनाना होता है। रुक जाओ साहिबू, साहिबू मुझे ऐसे ठुकरा कर नहीं जा सकते तुम। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैं किरण जैसी बनने के लिए भी तैयार हूँ। आपको जो रंग ढंग पसंद है मैं उसमें ढल जाऊंगी, मगर मुझे ऐसे ठुकरा के मत जाओ। साहिबू किरण, क्या हुआ? क्या वैसे क्यों बैठी हो? आपके दिलनवाज। मैंने आपको कहा था ना, आपको जो भी रंग पसंद होगा मैं उसी में ढल जाऊंगी। किरण पसंद है ना आपको? आज से मैं किरण। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो, निकल जाओ उसके जिस्म से बाहर। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कितना आसान तरीका निकाला है मैंने, इस तरह पता क्या होगा? आपको आपकी किरण मिल जाएगी और मुझे आप।
अपनी दुनिया को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहता मैं तुम्हारा, नहीं हो सकता। ये कितनी बार बता चुका हूँ तुम्हें, कितनी बार बता चुका हूँ मैं तुम्हें। खुदा का वास्ता इस बात को समझो, नफरत हो रही है मुझे तुमसे, नफरत। तुम ये सब कुछ करके मुझे खुद से सिर्फ दूर कर रही हो और कुछ नहीं। दूर तो आप किरण को अपने आप से कर रहे हैं, और अगर करीब करना चाहते हैं ना तो ये धागा तो उतारना पड़ेगा। तुम नहीं मान रही ना मेरी बात। कोई बात नहीं, अम्मी अम्मी ये देखें, ये ना ये मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आंटी आप गलत समझ रही हैं, ये किरण नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? अम्मी आपको पता है इसने मुझे अकेला देखा ना। कर दो बस, दिल नवाज है, ये किरण नहीं है। आंटी आप मेरा यकीन करें, आप यकीन करें मेरा प्लीज। पागल हो गया ये, घर से बाहर निकाले इसको। निकलो यहां से। साबित कर सकता हूँ कि ये किरण नहीं। मेरी बेटी का घर बर्बाद करके मैं तुम्हें चैन नहीं आना कहती। निकलो यहाँ से दोबारा। घर साबित करो, साबित कर दो। निकलो यहाँ से, निकलो, पुलिस के हवाले कर दूंगी मैं तुम्हें। दोबारा घर का रुख मत करना। किरण, किरण, हाय अल्लाह मेरी बच्ची को क्या हो गया? किरण, 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 हाय अल्लाह, किरण, किरण, बेटा उठो, सूप पी लो, शाबाश, थोड़ी ना एनर्जी आ जाएगी। सायरा ने कहा है कि ये जो तुम बेहोश हुई थी ये कमजोरी की वजह से। अब मैं उसे क्या बताती? ये कमजोरी नहीं है भाई, ये तो टेंशन है। पता नहीं अम्मी क्या हुआ था, आराम से बैठी हुई थी, एकदम से लगा कि जैसे ना मेरे हलक में कुछ फंस गया हो। सब कुछ दिख रहा था मुझे और एकदम से अंधेरा छा गया, समझ नहीं आया। जाहिर है बेटा फवाद से ऐसी उम्मीद भी तो नहीं थी। फवाद से? फवाद आया था? फवाद कहां से आ गया? क्या कह रहा था वो? मुझे क्या पता बेटा, तुम्हें तो बता रही थी। मैं बता रही थी क्या? मेरे ख्याल है इस हादसे की वजह से तुम्हारे दिमाग पे असर हो गए। तुम ये सूप पियो, ये लो। नहीं अम्मी, मुझे नहीं पीना सूप। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ और बताई जा रही है। क्या कह रहा था फवाद, कब आया, क्या हुआ? बेटा अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने उसे निकाला है घर से। मुझे तो याद ही नहीं है कि फवाद आया था, और अगर आया भी था तो आपने उसे घर से निकाल दिया क्यों? अच्छा तुम ही तो कह रही थी, तुमने बताया था ना कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, तो फिर मैं क्या करती? नहीं अम्मी, बदतमीजी, हाथ पकड़ना, अम्मी फवाद तो यहाँ आया ही नहीं है। फवाद कैसे हो तुम?
तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। जो कुछ तुम्हारी माँ और तुमने मेरे साथ कर दिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अंदर ना मुझे फोन करना और ना ही मिलने का कहना। नहीं फवाद, मेरी बात फवाद, हेलो हेलो किरण, आई एम मी। आगे साहिब, जानता था कि तुम यही होगी। दिलनवाज को बाप की राह देखने के लिए सिर्फ इतना कहने आया हूं कि किरण से दूर रहो। तुम्हारी लड़ाई नाराजगी जो कुछ भी है सिर्फ मुझसे। किरण का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है दिलनवाज। ये सब उसकी वजह से हो रहा है। मेरे और आपके दरमियान वो आई है, सारा कसूर उसका है। क्वास बंद करो अपनी। तुम आई हो हम लोगों के दरमियान। तुमसे पहले से उससे मोहब्बत करता और करता रहूंगा। फासल, कमाल कर दिया। मियां बीवी के रिश्ते के दरमियान वो आई, भूल गए जब इस घर में आए थे तो वो आपको ठुकरा चुकी थी, किसी और से शादी कर रही थी वो। मैं बहस करने नहीं आया दिलनवाज, मैं तुम्हें सिर्फ बताने आया हूं, समझाने आया हूं कि किरण से दूर रहो। ये तो आप समझो ना साहिब, दे दो अपने दिल में जगह, उतार के फेंक दो ये मनहूस धारा, अपने कदमों में बैठा, फिर मुझे किरण से कोई फर्क नहीं होगा। दिलनवाज, शादी तो मैं किरण से ही करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। जिनजादी हूँ साहिब, इंसान नहीं जो शौहर की दूसरी शादी पर रोध होके चुप होके बैठ जाऊं। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। अच्छा हुआ फवाद घर पे नहीं है। शाह साहब ने कहा था कि उसके इल्म में ना आए और उसके तकिए के अंदर तावीज रखना। फवाद का अस्पताल से आने का टाइम हो रहा है, आप जल्दी कर लें। आज वो क्या क्यों है वैसे? भाई डॉक्टर अमजद ने तो कहा था कि मंडे से आना, आज तो संडे है। अरे हाँ आज तो संडे है। वो लड़का मुझसे सीधे मुंह बात करे तब मुझे पता चले ना। अच्छा आप जल्दी कर लें, मुझे लगता है कि वो आ गया। हाँ। चले आप जल्दी से करें, मैं उसे देखती हूँ। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। एक बात कान खुलकर सुन लो, फवाद सिर्फ मेरा है, निकाह हुआ है मेरा उससे, मैं बीवी हूँ उसकी। तुम्हें पता है दिलनवाज ने आज तक कभी किसी की जान नहीं ली, लेकिन अगर तुमने मेरे शौहर या उसके घरवालों के करीब जाने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगी। अम्मी मेरे बच्चे।
पियो बेटा, पियो जल्दी पियो। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, बच्ची जी मेरी जान, मेरे बच्चा मुझे बताओ क्या था वो, बताओ किरण मुझे बताओ, बताओ क्या था? वो जहाँ पर फवाद लोग शिफ्ट हुए ना अम्मी, उस घर में ना क्या, उस घर में क्या था? अम्मी उस घर में कोई चुड़ैल रहती है जो फवाद के पीछे पड़ गई है। क्या कह रही हो बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी आपको आपको याद है उस दिन फवाद हमारे घर आया था और अम्मी उस चुड़ैल ने मुझ पे कब्जा किया हुआ था, मुझे मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या बोला क्या किया। अम्मी अम्मी उसमें मुझे बहुत डर लग रहा है, चले जाएंगे या अल्लाह। अम्मी आ जाइए आ जाइए। रशीदा जी, ये मेरी बीवी है रशीदा, ये इरशाद शाह साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। मैं कोई पीर वीर नहीं हूँ, आप मुझे इरशाद भाई कह सकती हैं। जी ये है फवाद का कमरा। जी हाँ, वो मेरे बेटे का कमरा है। आती है वो इसी कमरे में, फवाद जब सो जाता है तो वो आके घंटों गुजारती है। इशाद भाई हमारी उससे कैसे जान छूट सकती है? नहीं, ये वो जगह नहीं है जहां फवाद पैसा शुरू हुआ था। मुझे वो जगह देखनी है। आयशा साहब,
यही कमरा है, यही उसका बसेरा है। आपका बेटा उसके शहर में यहीं गिरफ्तार हुआ। यही तो है मेरे बेटे का कमरा। नहीं, आपका बेटा सिर्फ यहां रहा था। कमरा ये उसी का है, इस वक्त वो मौजूद नहीं, लेकिन रात को आती है वो यहाँ। इस वक्त वो कहीं और है। क्या करेंगे आप शाह साहब, कुछ करेंगे? छोटी बीबी मुझे बचा लीजिए। वो वहां पहुंच गया, वो अमल शुरू करने वाला है। मेरी मदद कीजिए, खुदा के लिए कुछ करें। तू क्या नाम है तेरा, बताओ? पहले वादा कर, वादा करके इस लड़के का पीछा छोड़ देगी, तंग नहीं करेगी इसे, हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से चली जाएगी तू, वादा कर। ये कैसे? बस हजरत साहब, इतना ही इल्म था आपके पास? अब आपको बोलने की इजाजत नहीं, मेरी बारी है। जितना भी पढ़ लो, फूट लो, आमिल साहब दिलनवाज पे कोई जोर नहीं चलेगा। साहब देख रहे हो आज साहब कितनी तकलीफ में? ये तुम क्या कर रही हो तलवास? छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। क्या साहब इतना परेशान क्यों हो रहे हो, वो भी एक गैर के लिए? जब अपनी बीवी तकलीफ में थी तो आपके चेहरे पर इत्मीनान था। उन्होंने कहा वो बहुत ताकतवर है, क्या करें, उनका इल्म इतना नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नहीं काबू पा सकते उस पर। खालिद तुम तो कहते थे कि वो बहुत इल्म वाले हैं, बीमारों को तंदुरुस्त कर देते हैं। तंदुरुस्ती तो अल्लाह की जात के इख्तियार पे है, ये लोग क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना, अमल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोई दम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं।
अरे वही मतलब है ना मेरा, मामला तो अपनी जगह पे वहीं का वहीं है, अब क्या होगा खालिद? अब जाहिर है कोई और पीर फकीर ढूंढेंगे, कोई इससे ज्यादा समझदार, कोई ज्यादा पहुंचे हुए बुजुर्ग। खालिद तुम शाह साहब से कहो ना कि वो क्या अमल करना चाह रहे थे, किलवाना, कम से कम वही हमारे घर में कर दे, कम से कम हम तो महफूज रहे ना। हाँ किरण के घर को इसकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन पता नहीं शाह साहब ये भी करने पे मादा होंगे कि नहीं। तुम्हें उससे मिलने के लिए भाद्राबाद वाले मकान में जाना होगा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम जब उसके पास होगे तो उसका सारा ध्यान तुम पर होगा, और इसी दौरान मैं अपना अमल कर लूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसका ध्यान कहीं और नहीं जाए, ये एक तरीका। दिलनवाज, दिलनवाज, कहाँ हो तुम? दिलनवाज, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा साहिब। पूछोगी नहीं कि मैं अचानक क्यों आया? आपका आ जाना ही काफी है, फिर सारे सवाल, गिले, शिकवे सब खत्म हो जाते हैं। दिलनवाज को एक सुकून सा मिल जाता है, ऐसा लगता है जैसे हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अब किसी चीज की तलब नहीं। अच्छा, अगर इतनी मोहब्बत है, इतनी चाहत है, तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेती दिलनवाज? क्या चाहिए साहिब, बोलो, आपकी ख्वाहिश पूरी करने में दिलनवाज को एक लम्हा भी नहीं लगेगा। फिर वादा करो कि तुम किरण के करीब ही नहीं जाओगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, वादा करो, कभी भी नहीं, प्लीज वादा करो मुझसे। यहां ये बात करने के लिए आए हो साहिब? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो बोलो, जवाब दो। धागा उतार दूं, मैं उतार दूं धागा? ये चाहती हो ना तुम, ये चाहती हो? क्या फायदा, क्या फायदा इस मोहब्बत का जिसमें मेरी मर्जी, मेरा दिल ही शामिल? जवाब दो, बोलो। तुम नहीं चाहती कि मैं दिल से तुम्हें चाहूं, दिल से अपनाऊं, दिल से प्यार करूं, दिल से मोहब्बत करूं तुमसे? जवाब दो। दिलनवाज सिर्फ आपको चाहती है साहिब, लेकिन आपके दिल तक जाने का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, मुझे दिल से अपना ले, खुदा के लिए। मैं अपने और आपके रिश्ते को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही साहिब, क्या कुछ नहीं कर रही, लेकिन आप तो जरा भी मेहनत नहीं कर रहे, थोड़ा सा साथ दे दो साहिब, बस करो मेरा, और इम्तिहान ना लो मुझ पर तर्स करो, मेरी मुश्किल आसान कर दो साहिब। Thank you.
लीजिए, अब आपका और आपके पड़ोस का दोनों घर महफूज हो गए। अब तो यहाँ नहीं आ सकती है ना वो साजी। जब तक आप इजाजत ना दें वो हिसार तोड़कर इस घर में कभी नहीं आ सकती। हम उस चुड़ैल को क्यों इजाजत देंगे अपने घर आने की? साजी लेकिन बाहर हमें वो कोई नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ ये मसला तो बरकरार है, इसका जब तक मुकम्मल सदेबाप नहीं हो जाता तब तक ये परेशानी तो रहेगी। तो तुमने किरण के जरिए उसकी माँ से झूठ बोला। तुम सिर्फ एक झूठ हो और कुछ भी नहीं हो, तेरे हजार कुछ भी नहीं हो। हेलो हमा, मैं आ रहा हूं आ रहा हूं। अगर कोई बात नहीं, आ रहा हूं। खुदा हाफिज। अम्मा का फोन था, जा रहा हूं। फिर कब आओगे साहिब? पता नहीं, और शायद कभी नहीं, कभी भी नहीं। देखो धनवास, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मुझे भूल जाओ। क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल बना रही हो मेरे लिए? तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकती। और अगर हो सके ना दिलनवास, अगर हो सके तो मुझे ख्वाब समझ कर पूछो, क्योंकि ये सब एक ख्वाब ही है, हकीकत तो हो नहीं सकता। भूल जाओ। वाह साहब, कौन? सलाम अलैकुम। अरे मारिया तुम? क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? नहीं आंटी, आपको मुझे अंदर आने की इजाजत देनी पड़ी। मैं जानती हूँ अम्मी ने आपको मेरी वजह से बहुत बुरा भला कहा, आपको कोई कॉल भी नहीं की। नाराज होंगी ना आप उनसे? कैसी फामलों वाली बातें कर रही हो बेटा, तुम्हारा अपना घर है। इसका मतलब है आप मुझे अंदर आने का कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने इजाजत दे दी है तुम्हें अंदर आने की, वरना मैं हाथ पकड़ के तुम्हें अंदर ले जाऊंगी। चलो आओ। इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात है, तुम्हारा अपना घर है, आज। और अम्मा कैसी है तुम्हारी? अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या पकाया है? पुलाव, कोरमा और सैलेड बनाया है। अच्छा, घर में चावल तो थे नहीं? थे चावल, वहां ऊपर रखे हुए। अच्छा, मैं भूल गई होंगी शायद। मैंने बिल्कुल वैसा कोरमा बनाया है जैसा आपने बनाया था उस दूसरे वाले घर में जब मैं आई थी, याद है ना आपको? अरे ना बाबा ना, शुक्र है उस घर से हमारी जान छूटी। उस मनुष्य घर का नाम ना लेना बेटा। मैंने कोरमे में केवड़ा नहीं डाला, फवाद को पसंद नहीं है ना? हाँ हाँ। अच्छा तुम थक गई होगी ना, जाओ मुँह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। अंकल और फवाद को भी बुला लूँ? हाँ हाँ बुला लो, जाओ बुला लो, मैं निकालती हूँ खाना। हेलो। हेलो, हाँ फवाद, अम्मी स्कूल से निकल गई हैं, बोलो क्या हुआ? तो तुम यहाँ आ रही हो कि मैं आऊँ? ठीक है, मैं भी पहुँच रही हूँ। ठीक है, ओके। Thank you.
हाँ सारी शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन मेरी ज्वेलरी अभी बाकी और ज्वेलरी हम लोगों ने लेनी, मैं ज्वेलरी शॉप पे जाऊंगी ठीक है। और आपको पता है मैंने एक ड्रेस देखा है बहुत ही। अरे मारिया तुम यहाँ? रशीदा तुम्हें खुदा का वास्ता है, अब तो दूर रहो मेरी बच्ची से। मुझे माफ कर दो हमीदा, अब तो हमने वो भूत बंगला भी छोड़ दिया है। इसके जिस्म पर अभी भी नील के निशान है और तुम कहती हो माफ कर दो, भूल जाओ सब कुछ। समझाओ ना अपनी माँ को बेटा। आंटी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही गलती पर थी, मुझे उस घर में आना ही नहीं चाहिए। फवाद तो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन बेटा तुम अब हमारे घर आई हो, सबने तुम्हें कितना प्यार दिया है, तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। ये क्या कह रही है मारिया, नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी आप क्या कह रही हैं, मैं तो कल से बाहर ही नहीं निकली हूँ। अम्मी मैं तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई हूँ, आप बताएं आंटी को। क्या हो रहा है इसको, पता नहीं क्या कह रही है, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब आंटी को नीचे से मैं खुद नहीं निकल रही हूँ, तो बहुत डर लग रहा है। तो का ये सिला दे रूसा, वो तो आपको छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी, बदल गई थी, लेकिन मेरी मोहब्बत तो आपके लिए कभी नहीं बदली। सब कुछ छोड़कर मैं आपके पास चली आई थी, क्या कमी रह गई थी मेरी खदमतों में बोलो। लेकिन नहीं, आपको तो उस किरण से ही मोहब्बत करनी है, उसी के पास जाना है। अब मैं आपको उसके साथ एक लम्हा भी गुजारने नहीं दूंगी। मारिया, मारिया बेटा, फवाद, फवाद जल्दी आओ, फवाद, फवाद मुझे फोन करके बताना। फोन तो उसका यही रह गया, कैसे कॉल करेगा मुझे। फवाद जी, बाजी इसे क्या हुआ है यार, क्या हुआ, बेहोश पड़ी है। इसके लिए पानी पानी। कब से पता नहीं, मैं तो अभी बाहर निकला हूं तो। मारिया, मारिया नहीं नहीं, ठीक हूं मैं। क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? अच्छा अपना हाथ दिखाओ मुझे। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप परेशान मत हो। सुमित्रा तकलीफ कब से करने लगी, आखिर मसला क्या है? कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। बस इनका जो हाल किया तुमने, ये ठीक है क्या? साफ कर दूंगी। नहीं बेटा हो जाएगा साफ, तुम क्यों करोगे साफ? नहीं बाजी, गंदा इसने किया तो साफ भी यही करेगी। क्यों बदतमीजी कर रहे हो तुम, मेहमान है वो हमारी। आप इसे नहीं जानते, ये शुरू से ही ड्रामे पास है। क्या तुम्हारी माँ कहाँ रही, मुझसे कह के कि मेरे आने तक घर पे ही रहना, खुद गायब हो गई, अब कह देना कि मैं जा रहा हूं। पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो,
मुझे रिसीव कर लेना चाहिए। हेलो हेलो, ये फवाद का फोन है ना? आप कौन बोल रहे हैं? आप मेरी फवाद से बात करवा दीजिए। आप मुझे बता दें कि आपको क्या बात करनी है। फवाद इस वक्त मौजूद नहीं है। आप उनकी वालदा से मेरी बात करवा दें। दरअसल फवाद अपने घर पर है और वो अपना फोन यहाँ पड़ोस में भूल गए। आप किरण बात कर रही हैं? आप कौन और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? किरण, मैं जहाँ आरा बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में कितना जानती हैं, लेकिन हमारी गुलाम जिन दिलनवाज इस वक्त फवाद के घर में मौजूद है। आप फवाद को कहें कि मुझे फोन कर दें और बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊँ। कम से कम किरण के जिस्म में से तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। दिलवास? मैं दिलवास ऐसा मत करो प्लीज। किरण के जिस्म से निकल जाओ प्लीज। क्या करूं क्या ना करूं समझ ही नहीं आ रहा। क्या क्या नहीं किया मैंने, लेकिन आपको तो इतना साबियत तक नहीं होता। इतना बेहस होता है इंसान, किसी की मोहब्बत का कोई एहसास नहीं होता दिल में। इतना जालिम होता है इंसान। देखो दिलवास, तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है ना, मुझसे है ना तुम्हारी लड़ाई। किरण को बीच में मत लाओ प्लीज, उसे छोड़ दो, उस पर जुल्म मत करो प्लीज। इसको बेचारी को बीच में मत लाओ, इसको तकलीफ ना दो प्लीज। प्लीज दिलवास, प्लीज मेरी बात मान लो प्लीज। लड़ाई तो किसी से भी नहीं है, मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत। बस इसीलिए तो मैं बेबस हूं। किरण को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसकी वजह से तो आपको कुछ समझ ही नहीं आता, या फिर अगर समझ आता भी है तो शायद समझना नहीं चाहते। तो बस नहीं, मेरी मोहब्बत छीनने का कोई हक नहीं है आपको। किरण से मोहब्बत करते हैं ना, किरण पसंद है ना, तो बस ठीक है, आज से मैं किरण। ताकि आप किरण से मोहब्बत कर सके, यानी मुझसे मोहब्बत कर सके, क्योंकि मेरे पास तो ये आखिरी हाल है। मैं तो इस तरह आपको नहीं छोड़ सकती, आपके बगैर नहीं रह सकती। नहीं तो तुम ये कैसे कर सकती हो? वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगी खुद के अंदर, तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो कमजोर है, तुम जानती हो ये बात, वो कमजोर है। दिलवास तो ये धागा उतार के फेंक देना और चले मेरे साथ घर। उस घर जहाँ हम दोनों की शादी हुई थी, याद है ना आपको, जिसे हम दोनों साथ मिलके बसाना था। आपको पता है वहां पर एक एक चीज आपका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं तैयार। जहां भी तुम लेके जाना चाहती हो ले जाओ, इसके जश्न से निकल जाओ प्लीज। तुम उस भूत बंगले में नहीं जा सकते, तुम अकेले उस भूत बंगले में नहीं जा सकते बेटा। मत रोके मुझे। नहीं बेटा, मत रोके। मैं अपनी वजह से किरण की जान खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे मत रोके। तुम किरण हो या दिलनवाज, जो भी हो, तुम कैसी औरत हो? अम्मा मुझे मत रोके, मुझे मत। माँ से उसका बेटा कैसे छीन सकती हो? तुम मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती। मत रोको। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मत रोको। नहीं मेरे बच्चे, नहीं कर, फवाद नहीं होता। अम्मा मुझे मत रोको। फवाद, फवाद नहीं। माँ मुझे मत रोको। नहीं बाबा, इसे मत उतारो बेटा। बाबा इसे मत उतारो। मत रोको। नहीं बाबा, ले लो। अब ना मेरे हाथ में कोई धागा है, ना ही कोई रुका।
जहां लेके जाना चाहती हो ले जाओ। अब जब के धागा आपने उतारे दिया है तो मैं तो आपको कहीं भी लेके जा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं, मोहब्बत में एतमाद जरूरी है। अब मुझे आप पे एतमाद, जा रही हूँ मैं और वहां जाके आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आना। किरण, 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 आगे खोलो किरण, किरण। कमाल, किरण, मैं आ रही हूँ। किरण, 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 आगे खोलो, किरण, किरण। पागल मत बनो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर मैं ना गया तो किरण मर जाएगी। बेटा, हम कोई हल निकाल लेंगे ना। इसका कोई हल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं बेटा, नहीं, मैं तुम्हें चुड़ैल के पास नहीं जाने दूंगी, वो तुम्हें मार डालेगी। और अगर किरण मर गई तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। नहीं मेरे माँ, मुझे जाने। फवाद, मेरी बात तो सुनो बेटा। फवाद, फवाद, किरण बेटा तुम ठीक तो हो ना? फवाद कहाँ है? बेटा, बेटा तुम आराम करो, आराम करो। अम्मी, फवाद चला गया। फवाद, किरण, किरण, फवाद, फवाद, आंटी फवाद चला गया, आपने उसे रोका भी नहीं। चला गया हमारा फवाद, तुम्हारा दिया हुआ धागा उसने उतार लिया था ना, चला गया वो उस भूत बंगले में, कभी वापस नहीं आएगा। ले गई वो चुड़ैल उसे। आइए साहिब, आइए। मुझे पता था आप कभी वादा खिलाफी नहीं करेंगे। देखें, इस घर की हर चीज आपकी मुंतजर थी, आपके आने से हर चीज खुशी से खिल उठी है साहिब। कब तक यूं कैद करके रखोगी मुझे? बस साहिब, थोड़ा सा वक्त गुजरने दें, कुछ पल गुजर जाए, उसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे मुंतजर हो जाएंगे। बस कुछ याद आने की देर है। याद आया साहिब? फिलहाल तो मुझे किरण के अलावा कोई याद नहीं है, कोई भी नहीं। साहिब, तुम्हारी जिंदगी में कोई किरण नहीं फवाद, अब सिर्फ दिलावाज है, तुम्हारी दिलावाज। जिंदगी का हर लम्हा अब तुमने सिर्फ दिलावाज के साथ बिताना है। दिलावाज से मोहब्बत करनी है, दिलावाज का ख्याल रखना है। दिलावाज,
ये सब हो गया। फवाद, 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 फवाद। अब आपको मेरे सिवा कोई नहीं देख सकेगा साहेब। ठीक है, किसी को देख लो, अभी जाऊंगा कहीं, अभी भी रहूंगा, ये सब कुछ, सब कुछ यही है। मुझे लगता है रशीदा कि हमें यहाँ दिन की रोशनी में किसी आमिल के साथ आना चाहिए। खालिद, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? खुदा मालूम यहाँ आया भी है या नहीं। हो सकता है हॉस्पिटल चला गया हो। नहीं नहीं, वो यहीं का बोलकर गया था जब बैग लेकर गया है वो घर से। यहाँ तो किरण, ये हजरत बाबा है, मेरे अब्बा हजूर। अच्छा, मैं इनसे कई बार मिल चुकी हूँ। इन्होंने ही मुझे दिलनवाज के बारे में बताया था। मजार पे जाने को भी इन्होंने कहा था, जहां से मैं धागा लेकर आई थी फवाद के लिए। ये मुझे कहाँ मिलेंगे जहां आ जी? ये दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। क्या, कब? कई साल पहले। ये कैसे हो सकता है? मैं इनसे काफी बार मिल चुकी हूँ, मेरे घर भी आए हैं। अल्लाह के वलियों के लिए जिंदगी और मौत कोई मायने नहीं रखती। वो आपकी मदद करने आए थे किरण, वो मरने के बाद भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब ये मुझे कहाँ मिलेंगे? मुझे इनकी मदद की पहले से ज्यादा जरूरत है। पता नहीं, लेकिन वो यहीं थे, कल वो यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे आपकी मदद के लिए कहा। तो आप प्लीज मेरी मदद करें ना जहां रची, फवाद को उस चुड़ैल के चुंगल से आजाद करवा दें प्लीज। ये काम मैं नहीं, आप कर सकते हैं। मैं कैसे? हजरत बाबा ने मुझे आपके यहाँ आने की पहले ही खबर दी थी। दिलनवाज पहले हजरत बाबा की और फिर मेरी बड़ी बहन आलमारा की महकूम रह चुकी है और पहले से बहुत ताकतवर है। लेकिन इस सब में मेरा क्या ताल्लुक है? मैं क्या कर सकती हूँ? आपको खुद वजीफा करना पड़ेगा। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि ये वजीफा कोई ऐसी हस्ती कर सकता है जो फवाद से सच्ची मोहब्बत करे। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है किरण, बस ये इंसान पर मुनसर है कि वो किस तरह से इस्तेमाल करे। तुम सिर्फ रजामंदी जाहिर करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा रही हूँ। ठीक है, बात मेरी वजह से इस हाल में पहुंचा, मैं उसे उन अंधेरों से निकालने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। Thank you.
तुम्हारी किरण भूल गए मुझे? किरण नहीं हो सकती, किरण नहीं हो सकती। लिहाज से मना किया किसी से भी बात करने से, किरण नहीं हो सकती। लवाज एक जिन है, उसने तुम्हारी आंख में पट्टी बांधी है, तुम कुछ नहीं देख सकते हो। प्लीज बवाद वापस आ जाओ, प्लीज। लिहाज का किसी से बात नहीं, किसी से बात नहीं, तुमसे बात नहीं सकता, मेरी बात नहीं सकता। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि फवाद की शादी सिर्फ किरण से होगी? वो ही किरण हूँ फवाद, याद करने की कोशिश तो करो फवाद, प्लीज फवाद। देखो ये कैद कर लिया, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वाह तुम कोशिश तो करो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम उसका शहर तोड़ सकते हो, तुम निकल सकते हो फवाद, तुम्हें कोशिश करनी है, प्लीज कोशिश करो फवाद, फवाद प्लीज वापस आ जाओ, फवाद प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज फवाद, प्लीज फवाद। हाँ तुम कर सकते हो, तुम उसके चुंगल से आजाद हो सकते हो फवाद, प्लीज कोशिश करो वापस। कुछ नहीं हो रहा, बहुत बोझ महसूस हो रहा है। तुम्हारा वजीफा पूरा हुआ। सच? बस यही करना था? मैं हैरान हूं इस बात पे कि दिलनवाज की तरफ से कोई मुज़म्मत नहीं हुई। ये तो अच्छी बात है जहरा जी, आपने मुझे कहा था कि वजीफा पढ़ते वक्त अजीब अजीब सी शक्लें मुझे नजर आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं किरण, लेकिन ये वजीफा तो मैंने तुम्हें हजरत बाबा के कहने के मुताबिक दिया था, और उनके कहने के मुताबिक दिलनवाज की तरफ से गहरी मजम्मत की पेशन गोई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे वजीफे के दौरान मैं तुम्हारे साथ कमरे में मुसलसल खड़ी रही, लेकिन ना कोई आवाज थी और ना कोई आहट। ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार आते जाते देखा है। अरे भाई इस मकान में करने क्या गया था? आसेब है। अरे इस मकान में रहने वाला पागल ही होगा ना, और क्या होगा? अरे पागल हो गया। अरे भाई इसका दिमाग पलट गया। एक मिनट हटिए। फवाद उठो 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 उठो, चलो मेरे साथ आओ मेरा बच्चा, गाड़ी में बिठाइए इसे। बेटा है मेरा यार, गाड़ी गाड़ी में बिठाए, गाड़ी में। फवाद क्या हुआ बेटा? फवाद क्या हुआ? बेटा बाबा ने जिक्र किरण के लिए उसको क्या हुआ? फवाद चाहे दरवाजा आने वाली है। फवाद होश में आ, आज मेरी बात को समझ ले। फवाद दरवाजा ने कहा था कि किरण वहां पे अकेली है, किरण वहां पे अकेली, मेरी बात समझ ले। तो फिर से समझ, किरण के लिए मुझे मैं कह रहा हूं होगा किरण को मैं चाह रहा हूं। खालिद देखिए फवाद को क्या हो गया, जाएं डॉक्टर को बुला के लाएं। फवाद खालिद जल्दी से आए, डॉक्टर को बुला के लाएं जल्दी से। फवाद बेटा होश करो बेटा,
तुम ये बात जानती हो दिलनवाज कि फवाद तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तो तुम खुद को क्यों झूठी तसल्लियां दे रही? तुम इसे मोहब्बत कहती हो? किसी की दुनिया उजाड़ कर खुद के लिए खुशियां तलाश करने का नाम नहीं है मोहब्बत। मोहब्बत देने का नाम है, छीनने का नहीं दिलनवाज। और तुमने आज तक फवाद को दिया क्या है? तन्हाई, परेशानी और पागलपन के सिवा? बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मेरे चले जाने से आपको आपकी जिंदगी वापस मिल जाती है तो दिलनवाज, दिलनवाज आपको अपनी मोहब्बत का ये तोहफा जरूर देगी। याद रखना, हमेशा याद रखना चाहिए। फवाद, कुछ आ गया तुम्हें? मैं खालिद को बुला के ला जाऊं। तुम बैठो, मैं खालिद को बुला के। खालिद, thank you।
की राख होने का वक्त आ गया है। फवाद, बहुत मिन्नतें की उन्होंने, शायद उन्हें अपने गुलाम पर तरस आ रही है। मुझे अपनी मोहब्बत से जुदा कर दो, माफ कर दो मुझे। नवाज को एक बात तो समझ गई, मोहब्बत तो नाम ही माफ कर देगा। दिल में ठंड सी पड़ गई है, मत आना।
कोई फायदा नहीं।